Praise the Lord. Good morning, everyone. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें जीवन दिया और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हुई है। और आप लोगों के लिए जगने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जगे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी चाहते थे कि सब लोग जग जाएं, और आज वास्तव में हमें जरूरत भी है कि हम सब जाग जाएं और आत्मा में जागे। हालेलुया। और आत्मा में प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगियों में सामर्थ से भर दे आपको। हालेलुया। पवित्रता से भर दे। हालेलुया। और ज्यों ज्यों आप भरते जाएंगे, ज्यों ज्यों आप और बढ़ते जाएंगे, मेरा विश्वास है, मैं मान लाता हूँ इस बात पर कि आप और ब्लेस होते जाएंगे। हालेलुया। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में आप तो गिरने, कम से कम आप गिरने वाले नहीं है। हालेलुया। आप ही वो रहेंगे कि आपने जो परिश्रम कर रहे हैं अभी, आप जो इस समय सुबह उठ के भोर के समय उठ करके परिश्रम कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि ये बेकार नहीं जाएगा। यही है वो परिश्रम। आप कई लोग इस परिश्रम को समझते हैं कि संसार में मेहनत करना प्रभु का काम है, नौकरी करना प्रभु के पीछे चलना है, घर परिवारों को संभालना प्रभु के पीछे चलना है। नहीं मेरे भाई बहनों, मगर वो जो कुरिन्थियों की कलीसिया में परमेश्वर के दास ने लिखा कि तुम्हारा मसीह में किया हुआ परिश्रम कौन सा है, वो संसारिक पालन पोषण करना मसीह में परिश्रम नहीं है। आपकी नौकरी करना मसीह में परिश्रम नहीं है। मसीह का परिश्रम है कि जो तुम मसीह के लिए करते हो, खुदा के लिए करते हो, प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। चाहे वो सुबह उठने की बात है, प्रार्थना करने की बात है, उपवास करने की बात है, या फिर आपको दान देने की बात है, या फिर आपको किसी की सहायता करने की बात है, जो आप अपने हृदय से छोड़ते हो, चाहे वो नींद छोड़ते हो, चाहे कुछ भी छोड़ते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मुझे ईमान है कि ये सारी बातें बहुत अच्छी होंगी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से रूबरू होने का मौका दिया आज के लाइव सेशन के लिए। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें रोज मिलाया। आज बहुत सारे लोग मर गए और मिट गए हैं। हालेलुया। मगर खुदा की महिमा में हम जीवित हैं। हालेलुया। जितने लोग इस समय प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जरूर कपिल जी जरूर दुआ करेंगे और कोरोना से आपकी जरूर छुट्टी हो जाएगी। आप निश्चितता से विश्वास करिए, आप बिल्कुल चंगे होंगे, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। आप थोड़ा वचन सुनिए, वचन के बाद हम प्रार्थना करेंगे। वचन के बाद सभी के लिए प्रार्थना होगी, और जो वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं वीडियो कॉल पे भी आ सकते हैं। और कल की तरह, जैसे कल भी लोग बैठे हुए थे और खुदा ने बड़े आशीषों के साथ उन्हें मामूर किया है। हालेलुया। मैं ज्यादा लंबा वचन नहीं दूंगा आज, छोटा वचन है, सरल है और समझने के बहुत ही आशीष वाला वचन है। हालेलुया। कल एक पोस्टर डाला गया था, वो आपने देखा ही होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जा रहा है, पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगा रहा है, कह रहा है ठहर जाओ, रुक जाओ। आमेन। हालेलुया। मगर आज उस पोस्टर में हम देखते हैं कि वहां पर एक अगुआ जा रहा है आगे, और पीछे से उसका चेला आवाज लगा रहा है, रुक जाओ, ठहर जाओ। इसका मीनिंग क्या है, ये कौन कर सकता है, कौन है वो व्यक्ति। हालेलुया। आज हम कुछ बातों को जानेंगे और उसके बाद प्रार्थनाएं करेंगे। और प्रार्थना भवन जो है 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे। आज सैटरडे है, आज और कल 2 दिन बंद रहेगा, सैटरडे संडे बंद रहता प्रार्थना भवन। और जितने भी लोग SMS के द्वारा हमें प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, वो अपने SMS भी जरूर चेक किया करें। हालेलुया। वो चेक करें कि आपको जिन जिन लोगों को रिप्लाई दिया जाता है, वो भी अपना चेक करें कि रिप्लाई मिला। कई लोग प्रार्थना डाल के और चले जाते, गायब हो जाते हैं। हमारा प्रार्थना मोहन उन्हें रिप्लाई देता है, वो देखते ही नहीं आके कि प्रार्थना मोहन ने क्या बोला। हालेलुया। ये एक रिश्ता बनाइए, और जब ऐसा बनते रहेंगे, प्रभु का वचन कहता है जो जो तुम उस दिन को नजदीक आते देखो। कौन सा दिन है वो दिन जब प्रभु के प्रकट होने का दिन है, वो जो विनाश का दिन है। मैं कल बाइबल जब पढ़ रहा था, जब मैं एक वचन को पढ़ रहा था, लिखा था जब सारी जातियों में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा तब अंत आ जाएगा। हालेलुया।
प्रचार हर जगह हो चुका है, हालेलुया। अब अंत की बारी, अंत आने वाला है, इस पृथ्वी का अंत होने वाला है और लोगों को जीवन में जी नहीं रहेगा। मगर आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएं। अपने यहोवा यरी का, इंतजामी परमेश्वर का हम शुक्रगुजारी करें और आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तमाम सारी बातों के लिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा कि बहुत सारे लोग हैं प्रभु, यीशु मसीह पिता परमेश्वर, जो अपना धन लगा चुके मगर कोई आशा उनके जीवन में नहीं है। खुदा पिता परमेश्वर, आज कोरोना में, पिछले सालों से कोरोना में अपना धन, अपना व्यापार, अपना बिजनेस लगा चुके और खाली हो चुके, खोखले हो चुके पिता परमेश्वर, और उनके पास कोई आशा नहीं है। जब खाली अपने आप को कर बैठे, जेबें खाली कर बैठे परमेश्वर पिता, और जिंदगी में बड़े बड़े इम्तिहानों में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, बड़े इम्तिहान उनके हो गए हैं प्रभु जी, फंस गए हैं, वो दुखी हो गए हैं परमेश्वर पिता। ओ खुदा, लोग इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर पिता कि कब हमारे खुशहाल भरे दिन आएंगे। हालेलुया प्रभु पिता परमेश्वर, आज वचन कहता है कि मैं लौटा दूंगा उन दिनों को यदि तुम मेरी बातों को सुन करके मन फिराओगे और मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, आज लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी कि खुशहाल दिन कब हमारे आएंगे। लोगों का दिल आज छोटा कर बैठे हैं, लोग अपने छोटे दिल कर बैठे हैं, लोग याब छोड़ बैठे प्रभु जी। लोग कहते कि मर जाएंगे तो अच्छा है, लोग लोगों जी में जी नहीं है, डरे हुए, भयभीत हो गए पिता परमेश्वर, इस महामारी के चलते पिता परमेश्वर, इस भुखमरी के चलते प्रभु जी, इस कम धन के चलते पिता परमेश्वर, लोगों के जो जीवन है प्रभु वो चिंताओं से भर गए प्रभु। आपका कलाम कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा प्रभु यीशु मसीह। आज हम इस प्रार्थना में अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए प्रार्थना कर दो परमेश्वर, के हालात सुधरने पाए प्रभु। लोग इस हालात में आ गए कि पड़ोसियों से मांग मांग करके खा रहे हैं, उधार मांग मांग के खा रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये हालात आ चुके हैं खुदा यीशु मसीह, आगे का समय कठिन है। मेरी दुआ है मेरे बेटों को, मेरी बेटियों को, मेरे आत्मिक बच्चों को परमेश्वर आप संभालिए खुदा। हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। बोलिए, अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, जीवन के हर एक दुख क्षणों में पिता परमेश्वर हमें संभाल, हमें चलना सिखा, हमें परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से है अपार। है यीशु तेरा ये प्यार, वर्णन से है अपार। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी बाप से हमारा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई बहनों के लिए जिनके हियाब टूट चुके हैं, जो बिखर चुके, जिनके दिल छोटे हो गए प्रभु, मरने की बात करते हैं, तरह तरह की बात करते प्रभु, हालात इस कागार पर हैं खुदा कि मांग मांग कर लोगों को खाना पड़ रहा है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं हालेलुया, ऐसी कंडीशन आ गई जब लोग किसी से मदद की गुहार कर रहे हैं प्रभु, कि उनसे कुछ हालात बदलें, किसी की सहायता मांगे प्रभु। ऐसे कंडीशन आज आ गए हैं कि लोग मुंह फुला फुला करके लोगों से बात करने लग गए हैं खुदा। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मगर आज आपकी सहायता मेरे भाइयों के, मेरे बहनों के बीच में पहुंचे प्रभु। आज परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं मगर उनके पास पर्याप्त नहीं है खुदा। लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं मगर उनके पास अच्छा जीवन जीने का कोई संसाधन नहीं है प्रभु।
लोग अच्छे रहना चाहते हैं, अपने बच्चों में खुशहाल रहना चाहते हैं, मगर खुशहाली इस महामारी ने छीन ली है। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना हूं तो वो डर, वो भय जो मृत्यु का भय यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से इसी घड़ी चला जाए। और परमेश्वर आज ये अच्छा करना चाहते हैं हो नहीं पा रहा है, अच्छा खाना चाहते हैं तरस के रह जाते हैं। पिता परमेश्वर आज मैं प्रार्थना कर दूं इनके देश को, इनके जीवन को, इनके घर को जो का त्यों कर दे परमेश्वर पिता। केवल परमेश्वर आप ही हैं, आपका वचन कहता है तो चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए जा करके पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तेरा दास होने के नाते प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, धन्यवाद के साथ आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज मसा करे, ताजा मसा करे प्रभु। और जितने लोग बीमार हैं, कोविड से बीमार है प्रभु, आज जब उनके लिए प्रार्थना की जाए उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आना शुरू हो जाए प्रभु। जितने बीमार हैं, पड़ोसी हैं, इनके रिश्तेदार हैं परमेश्वर, वो सब आजाद हो। आज की प्रार्थनाओं में अपनी फायर को उड़ेलना, आज की प्रार्थना में इनके छुटकारे को उड़ेलना। आज के जब प्रार्थना हो, इनके नाम ले लेकर के जब प्रार्थना हो परमेश्वर, फेस टू फेस प्रार्थना होने वाली है परमेश्वर, आज की प्रार्थना है इनके जीवन को बदल दे। हालेलुया प्रभु, तेरी नाम की महिमा होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हम सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, कुछ लोग अभी भी जा रहे हैं, कहाँ जाना है आप लोगों को? सुबह सुबह कौन सी फ्लाइट पकड़नी है, कहाँ किस ट्रेन में जाना जो प्रभु का वचन नहीं सुन सकते, प्रार्थनाओं में नहीं बैठ सकते? हाँ, कहाँ जाना है, कहीं ऑफिस जाना है अभी? हाँ, कहीं कुछ कुछ जरूरी काम है, अर्जेंट काम है जो प्रभु का वचन भी नहीं सुन सकते, दुआएं भी नहीं ले सकते अपने लिए? कहाँ जाना है? ये ऐसा समय कहीं नहीं जाना आपको। हाँ, ये ऐसा समय है कि आपको एक दिन लिखा देना पड़ेगा, अरे तुम्हारी भलाई के लिए काम हो रहा था। हालेलुया, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी हालत में आ चुके, लोग ऐसी हालत में आ चुके हैं कि लोग उधार मांग रहे हैं, उधार मांग रहे, पैसे मांग रहे, मांगना चाहते हैं, मांग रहे हैं, जरूरत है, मगर हाथ फैलाने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा लोगों को। हाथ फैलाने के बावजूद भी मदद नहीं मिल रही। मदद जिनसे मांगते, रिश्तेदार अच्छे खारे पीने हैं, कोई भाई है, मदद जिनसे मांग रहे मुंह फुला लेते हैं, मुंह फुला के ऐसे घूम जाते जैसे कोई पहचानता नहीं है। हालेलुया, आज ये हालात आ गए कि लोगों का स्तर खराब हो गया है, लोगों की आत्माएं झंझोड़ दी गई हैं, दुख के कारण वो पीड़ा में हैं, और इसीलिए कोई तरस नहीं खाता, कोई तरस नहीं खाता, तरस कोई खाने वाले, सरकारें तरस नहीं खाती हैं, लोग तरस नहीं खाते तो कौन तरस खाएगा? परमेश्वर कहता मैं तरस से भरा परमेश्वर हूं। जब आप उसके पास आएंगे परमेश्वर आपको तरस से भरेगा। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप अच्छा खाना चाहते नहीं हो पा रहा है, अच्छा जीना चाहते नहीं, केवल कुछ ही चंद लोग हैं, सुनिए ध्यान से, चंद लोग हैं जो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे मौज मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ है। और ये क्यों है? इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं, अपनी परेशानियों के बावजूद भी दूसरों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन्हें खुशी मिलती है कि दूसरे लोगों की सहायता हो सके। हालेलुया, दूसरे लोग मरे ना उनकी आत्मा बचा रहे हैं, खुद बीमार पड़े मगर दूसरे बीमारों की सहायता कर रहे हैं, खुद भोजन कम है मगर एक रोटी दूसरों को बांट रहे हैं। हालेलुया, आज धन कम है मगर भवन में बो रहे हैं कि ताकि आत्मा को बचाने का एक संसाधन हो सके। आमेन हालेलुया, दर्द से गुजर रहे हैं कुछ लोग, चंद ही लोग हैं जो अपने दुखों के बावजूद, अपनी परेशानियों के बावजूद, अपने दर्द में, दिलों में दर्द लेने के बावजूद भी वो दूसरों की मदद कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। हालेलुया, ऐसे लोगों को सलाम, ऐसे लोगों को सलूट मारने का मन करता है कि परमेश्वर उनके अंदर बहुत अच्छा हृदय रखा है। कम धन है फिर भी लोगों की सहायता करना चाहते हैं। अभी लॉकडाउन आ रहा है फिर से कि लोग तैयार हैं कि हम होल और क्या है वो कर सकते हैं। भेंट हमारे लिए एक द्वार खोलती है। जब हम भेंट करते, भेंट देते हैं किसी को, जब हम भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु को चढ़ाते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमारे लिए दरवाजों को खोलती है। डेफिनेटली दरवाजे खोलेंगे, यही है मसीह में किया हुआ परिश्रम। परमेश्वर ने चुना ही इसलिए था कि हम दूसरों को ऊंचे उठाए। परमेश्वर ने चुना ही इसलिए था कि हम उस अभिषेक को जो एलिशा ने पहचाना उसे हम पहचान ले। हालेलुया, मैं आपकी सबके लिए दुआ करूंगा कि आपकी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए,
आप इन बातों को समझ पाए कि आपका बुलावा किस लिए था, कि जय जयकार करते रहो बस, हालेलुया जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहो, उसी लिए था या कोई पोस्ट भी मिलने वाली थी? हालेलुया। बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं इस नेता के साथ उस नेता के साथ, बस वो सालों साल के अगर जब भी इलेक्शन होते हैं जय जयकार करते थे, जय हो जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई मुर्दाबाद कोई जिंदाबाद कहते रहते हैं, मगर कोई पोस्ट उन्हें नहीं मिलती, उन्हें कोई पोस्ट नहीं मिलती। कई लोग ऐसे ही हालेलुया हालेलुया जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, मगर कुछ पोस्ट तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो विजन है ही नहीं, है विजन नहीं लोगों के पास। जब विजन नहीं है तो निरुत्तर हो जाते हैं, दर्शन नहीं था, फोकस नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। वो बुलाए तो गए हैं मगर किसने बुलाया पता ही नहीं, कहाँ बुलाया पता नहीं, कहाँ जाना पता नहीं है। हालेलुया। अनदेखा एक बेठिकाने दौड़ना, पोलुस क्या कहता है, बेठिकाने दौड़ोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। कल मैं फिर से जब मार्केट से आ रहा था, मार्केट गया था मैं और कुछ सामान लेना था भवन का, भवन जहां बन रहा है, और क्या हुआ, मैंने देखा एक जिम था वहां पर, शीशा लगा हुआ, बड़ा शीशा लगा हुआ था और उसमें ट्रांसपेरेंट था, आर पार दिख रहा था, और वहां दो लोग देखे मैंने, एक मशीन खाली, दो दो पे चल रहे थे, वो दौड़ रहे थे दौड़ रहे थे। मैंने देखा, मैं अपने आप से बात की, मैंने देखा देखो कितना दौड़ रहे, जाएंगे कहीं नहीं, रहेंगे इसी कमरे के अंदर है ना भैया। कुछ लोग अपनी जिंदगी में खूब दौड़ते हैं मगर क्या होता है, वो पहुंचते कहीं भी नहीं। हालेलुया। सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा, प्रार्थना होगी, छोटा सा वचन मैं आपको देना चाहूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। ठहरे रहे, बिल्कुल भी ध्यान ना छोड़े, हिम्मत ना छोड़े, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर हूँ, उपलब्ध हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और मेरा विश्वास है आप भी कहीं जाने वाले नहीं है। आमीन। कौन था वो व्यक्ति जो पीछे से आवाज लगा रहा था, ठहर जाओ, एलिया से कहा एलिसा ने, रुक जाओ, क्यों कहा रुक जाओ, हालेलुया, क्यों कह रहा वो रुक जाओ, हालेलुया। एक वचन देखेंगे, हाँ पहला राजा, उसका पहला राजा, और निकालेंगे पहला राजा उसका 19वां अध्याय और 19 पद से ही हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा भेज दीजिए जल्दी से, स्पीड नाल भेजो, तुसी भेजो स्पीड नाल, परमेश्वर दे कलाम नू, सुंदर कलाम नू तुसी सुन रहे हो, और जदों भी तुसी परमेश्वर दे कलाम नू अपने हृदय च रख दिया, परमेश्वर उसी पवित्र कलाम तेरा ही तुहानू पवित्र करदा, पवित्र करता है, थोड़ी जिड़ी समस्या है उसके बाहर कड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि तुसी अच्छा जीवन जियो, परमेश्वर चाहता कि बहते आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। तुसी महान ईश्वर दे कोल आए हैं जिड़ा परमेश्वर तुहानू कदी नहीं छड़ेगा। हालेलुया। कदी नहीं छड़ेगा। देखिए 19 पद में की लिखा, वाणी विच की लिखा, असी पढ़ांगे। पुराने नियम विच लिखा है, जब इसे वाणी विच लिखा, तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयंवारों के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने उसके ऊपर चादर डाल दी। आमीन। उसके ऊपर जैसे ही चादर डाली, तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। एलिया ठहर जा, एलिया ठहर जा। मगर एलिया क्या कह रहा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, एलिया कह रहा मैंने तुझे नहीं बुलाया। सुनिएगा ध्यान से, जो लोग सो रहे हैं, जो लोग ऐसे ऐसे वचन सुन रहे हैं ना लेट के, वो बैठ जाओ। हालेलुया। कई बार मैं देखता हूँ वचन दे ऐसे ऐसे बिल्कुल पूरे रह जाते हैं। जो लोग अभी लेटे हुए हैं, आदर करिए वचन, बैठ जाइए। मुझे आप में दिख रहा है कि बहुत सारे लोग लेटे हुए सुन रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, आदर करिए, परमेश्वर तुम्हारा आदर करेगा, बैठ जाओ प्लीज, बैठो बैठो बैठो, खुदा का वचन सुनो ध्यान से, उसका आदर करिए, सम्मान करिए। अरे नेताओं के सामने तो हम अच्छे कपड़े पहन के जय जयकार करते हैं, खुदा के सामने, खुदा की परस्तिसी करने के लिए हम यहाँ उपस्थिति हैं, उसकी प्रेजेंस में हैं, और तो हमें और क्या, कितना आदर से बैठना है, बैठिए। और क्या लिखा कि वो एलिया ने अपनी चादर जैसे उसके ऊपर डाली, जैसे कपड़े के द्वारा उसका अभिषेक हुआ, तेल के द्वारा नहीं कपड़े के द्वारा हुआ, तब तो वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा, कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मुझे तुझसे क्या काम है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल बलि किया, और उसे क्या हुआ कि अगले ही पद में हम इसे देखते हैं, तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे हो लिया। एलिया ने मुड़ के नहीं देखा था, मगर कितना दूर चला गया एलिया पता नहीं। सुनिए, एलिया ने कहा जा वापस जा,
पिता के पास जाना था, कह रहा जा मुझे तुझसे कोई काम नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया। एलिया चलता गया, मगर एलिशा ने देखा अगर मैं घर जाता हूं तो लेट हो जाऊंगा। वही खेत में ही लोगों के पास गया, उन्हें अपना काम निपटाया, जब तक एलिया आगे निकल चुका था और एलिशा पीछे से दौड़ रहा। हालेलुया, एलिया रुक जा, हालेलुया। आज झूठी झूठी बातें सुनने के लिए लोग पास इतना समय, और बैठे रहते घंटों धूप में, जितनी भी रैलियां होती है क्या वहां पंडाल लगा रहता? नहीं, एसी लगा रहता? नहीं, एसी तो बोलने वाले के लिए लगा रहता है, मगर लोग धूप में सुनते रहते, झूठी बातों को सुनते रहते, घंटों घंटों सुनते रहते, मगर परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर वचन सच्चा है, हम कितनी देर सुनते हैं। देखिए, यहाँ एक मेन मुद्दा इस बात का है कि झूठी बातों के लिए भीड़ लग जाती है, गलत बातों के लिए भीड़ लग जाती है, मजमा लग जाता है, जमघट हो जाता है, मगर जब परमेश्वर की वचन की बात आती है, अभिषेक की बात आती है, अभिषिक्त लोगों की बात आती है, जो व्यक्ति की आंखें ज्योतिर्मय हो गई वो ही पहचान सकता है, जो अपनी बुलाहट को पहचान गया, जो अपने अभिषेक को उसके ऊपर उतरते समय उसे फील कर लिया, उतरते समय उसमें रम गया है, उसने अपने हृदय को खोल दिया और हृदय भर गया, वो ही समझ सकता है कि मेरा अभिषेक ये है, मेरी बुलाहट ये है। वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, वो भागेगा, ठहर जाओ पास्टर जी मैं आ रहा हूं, आमीन। और यही एक रीजन था, एलिशा ने एलिया के द्वारा दी गई उस अभिषेक की चादर को पहचान लिया था, उसका मानो पूरा व्यक्तित्व तो बदल चुका था, उसकी दशा बदल चुकी थी, उसकी मेमोरी चेंज हो गई थी, उसका देखना चेंज हो गया, कहां वो किसान का बेटा था, कहां वो हल हल चला करके खेती पेट के लिए कमा रहा था, पेट पूजा करने के लिए वो अपने धन अपने खेतों में बैल चला रहा, अपनी फसल उपजाने के लिए वो मेहनत कर रहा, मगर आज जैसे चादर उसके ऊपर डली, अभिषेक की चादर डली, परमेश्वर की बुलाहट एलिया के द्वारा उसके जीवन में आती है, परमेश्वर ने एलिशा का नाम लेके बताया था कि एलिशा का अभिषेक कर, उसका नाम परमेश्वर के चित्त में चढ़ गया था, और जब अभिषेक आया परमेश्वर की रूह उसके ऊपर उतर आई, और जैसे परमेश्वर की रूह आई और वो सनसनी भर गया, उसकी देह में महसूस हुआ, उसके उसे अनुभव हुआ कि मेरा अभिषेक हो चुका है, और उसने उसे स्पेशल अनॉइंटिंग को देखा। पहले कभी एलिशा के साथ ऐसा नहीं हुआ था, मगर आज एलिशा जब एलिया को जाते हुए देखता है, अभिषेक को दूर जाते हुए देखता है, अच्छे गुरु को जाते हुए देखता है, दिखता है कि यह अभिषेक हुआ था, मेरे मेरी बुलाहट थी और मैं अब अलग हो जाऊंगा अपने चलते, अपनी बातों के चलते, उसी समय पुकार उठता है, एलिया रुक जा मैं भी आ रहा हूं, एलिया रुक जा मैं भी, हेलो मैं भी आ रहा हूं। आज बिल्कुल विपरीत है, आज ऐसा नहीं है, आज बिल्कुल विपरीत है। आज पास्टर जी को बोलना पड़ता है, अरे आ जाओ, अरे कली से आ जाओ, क्या बोलना पड़ता, अरे दुआ सुन लो, अरे भाई बाइबिल पढ़ लो, अरे भाई तुम्हारे लिए मैं दुआ कर रहा हूं बैठे हुए, ठहर जाओ यहीं पे। नहीं, हम कैसे ठहरे, हम तो दूसरे उसमें जाएंगे, हम तो दूसरे की सुनेंगे, जो हमें पसंद आएगा वो सुनेंगे, हमें जो नेता पसंद आएगा हम उसी को वोट देंगे, हमें जो अगवा पसंद आएगा हम उसी को वोट देंगे, हमारे आदर्श तुम थोड़ी है, हमारे आदर्श ये समझ, तो हमारे आदर्श तो हमारे अगुवे हैं, हमने तो आइडल ही वही लगा रखे, हमारे तो डीपी पे भी वही है, हमारे तो घर में भी फोटो उन्हीं की मिलेंगी, हम तो ऐसे ही बने हुए हैं, हम तो वैसे, हमने तो ये मॉडिफाई कर लिया, अपने आप को ऐसा मॉडिफाई कर लिया, और जो को पसंद नहीं है। हालेलुया, आज आज क्या हो रहा, पहले क्या होता था, पहले अगुवे आगे चल रहे हैं, एलिशा जैसे चेले पीछे सवाल लगा रहे हैं कि परमेश्वर के दास रुक जा मैं भी आ रहा हूं तेरे साथ, मगर आज क्या, आज परमेश्वर के दास फोन करते हैं, रिंगटोन बज रही है, उठाया नहीं जा रहा है। हालेलुया, रिंगटोन में क्या आता है, जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं, वह व्यक्ति दूसरी कॉल पर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। और पास्टर घंटों मिलाता रहता है और हर एक को पता किसका कॉल आ रहा पीछे से, कॉल अलर्ट लगा रहता है, देख के फिर अरे पास कोई बात नहीं, चाहे वो अपनी बंदी से लग के बात कर रहा हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, पड़ोसी से बात, किसी से भी लगे रहते, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं,
अब पास्टर पीछे भाग रहे, ठहर जाओ कलीसिया में, रुक जाओ, अरे प्रचार सुन लो, अरे दुआ सुन लो, आज बिल्कुल उल्टा हो गया। क्यों हो गया? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? आंखें अंधी हो गई है। परमेश्वर वचन कहता है कि इनकी आंखें अंधी हो गई। संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है कि वो देखते हुए भी ना देखें। ये आप जो भी लोग कमेंट्स भेज रहे हैं, ये स्टिकर ना भेजे, उथलने कूदने वाले स्टिकर ना भेजे, लोग देखते हैं उनके माइंड चेंज होते हैं, अलग बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। हालेलुया। आत्मा का अभिषेक में बने रहे, परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखे, ऐसे माहौल को बनाए रखे जिसमें गड़बड़ ना हो। हालेलुया। ध्यान रखिए इस बात का। बहुत ही एक हार्डली बोल रहा हूं मैं कि ये स्टिकर भेजना बंद करिए और परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। जिन्होंने अप्रिय जाना, जिन्होंने उन बातों को, किन, जिनकी आंखें दिखाई किसे नहीं दिया, जिनकी आंखें नहीं है। मोटी बुद्धि किसकी हो गई? जो अपने बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, जिसको अच्छा होते हुए दिख रहा मगर उसे अच्छी बात सुनाई दे रही मगर सुनते हुए भी नहीं सुन रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा। आंखें अंधी, मन मोटा हो गया। और किस लिए मोटा हो गया? वध होने के लिए मोटा हो गया। लिखा वचन में वध होने के दिन के लिए अपना पालन पोषण कर रहे। हालेलुया। मगर आज परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आज बिल्कुल विपरीत है। उस समय तो नबी, कोई कोई नबी मिलता था, लोग कह रहे हम आ रहे हैं। आज तो नबी हर गली में, आज तो हर जगह पे भविष्यवक्ता, हर जगह पे एलिया जैसे भविष्यवक्ता होने का दावा करें, है नहीं वो अलग बात है, उसके जैसे नहीं है वो अलग बात है, उसके जैसी प्रार्थना नहीं है वो अलग बात है, उसके जैसे विचार नहीं है वो अलग बात है, मगर दावा होने का करते हैं हम भविष्यवक्ता, मैं प्रॉफिट प्रॉफिट ये प्रॉफिट वो। लोगों को भी ऐसा ही चाहिए, लोगों को जो दिखता है, शैतान जो दिखाता है वही वो देख रहे हैं, मगर अभिषिक्त व्यक्ति जो आत्मा में है, आत्मा के चलाए जो चल रहे हैं, वो ही देखेंगे जो पवित्र आत्मा उन्हें दिखाता है। उसके दर्शन अपने नहीं होते, उनके दर्शन परमेश्वर की पवित्र आत्मा की तरफ से होते हैं। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं को देखते रात भर, बहन है कि बहन है हमारे, कहती रात को भूत दिखते हैं, रात को गंदे सपने आते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि शैतान वही दिखाता है, वो रमे हुए वहां पर, उन्हें पालन पोषण किया गया था अपने घरों में, शैतानों को पूजा गया था, खबरों की आराधना की गई थी, जो ईश्वर नहीं उनकी प्रार्थना की गई थी, जिसको बुलाओगे वो घर में आ गया, बैठ गया, अब वो निकल नहीं रहा है। हालेलुया। मगर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, एलिया जैसी, एलिसा जैसे रिलेशनशिप में आते हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आप आत्मा के अभिषेक के लिए दौड़ेंगे, आप अपने अभिषेक के पीछे दौड़ेंगे, आप अपनी बुलाहट के पीछे दौड़ेंगे और आप उसे कभी खोएंगे नहीं। और यही एक रीजन था कि वो कह रहा कि ठहर जा एलिया, रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूं। आज आत्मिक लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, आत्मिक लोगों को बस हाथ रख दिया दास ने, उन्हें पता है मेरी बुलाटी है, वो कहेंगे भाई साहब मैं भी आ रहा हूं, रुको 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 मैं भी आ रहा हूं, कहां जा रहे हैं? मुझे भी आना था, क्या जगह है तुम्हारी गाड़ी में? मुझे भी आना है। भाई साहब कह रहे आज तो जगह नहीं। कितना उत्साहित था वो जाने के लिए। ओहो, एक समय था मैं रोता था, मैं अपने घर में रो रहा था एक दिन, और मेरी पत्नी ने क्या बोला कि क्यों रो रहे? मैंने बोला पास्टर मुझसे प्यार नहीं करते, और कोई लेकर चले जाते, मुझे नहीं लेकर जाते। मेरे अंदर जुनून था, जोश था खुदा का काम करने के लिए, आज भी है, और मुझे वो प्यास थी, मगर एक समय आया वो मुझे हमेशा मुझे लेके जाते थे, और जहां भी पूछते कौन है अच्छा विश्वास जो कि जिसे आप हमेशा देखते, मेरा नाम लिया गया कि हम इन्हें हर जगह मीटिंग में देखते हैं, हर जगह जाते हैं, जहां भी बोल दिया जाए वहीं जाते। तो एक अभिषेक को पहचानना, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए उसमें जानना। आज तो लोग दुआ इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि कोरोना आ गया, आज लोग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि कोरोना आ गया, आज लोग इसलिए मजबूर हैं कॉल करने पे कि उन्हें मरने का डर है, इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुमने चमत्कार देखे, तुम तो इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुमने रोटियां खाई थी, तुम्हारी भूख मिटी थी, तुम्हारी जरूरत पूरी हुई थी। आज लोग इसलिए प्रभु को ढूंढ रहे हैं कि उन्हें बीमारी से बचाव मिल जाए, कोई तो उनके लिए दुआ कर दे। ओरिजिनल क्या चीज है? भूख मिटने की बात नहीं थी, भूख तो एलिसा के घर में बहुत सारा खाना था, किसान का बेटा था, मगर बात उसकी स्पेशल भूख की थी। आपकी आत्मिक भूख कितनी है आज लोगों की? कितनी मैं देखता हूं हमेशा, देखो अभी 60-65 हो गए थे, फिर नीचे आ गए 46 पे आ गए। क्यों हो जाती? काउंटिंग बढ़ जाती है देखने वालों की, फिर घट क्यों जाती है?
क्योंकि पता नहीं कहाँ जा रहे, उनके माइंड ही ठीक नहीं है, लोग गंदगी में पड़े, पाप देख रहे हैं। पाप में गारंटी से मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, जो वचन नहीं सुन रहा वो पाप में पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब में फंसा हुआ गंदी चीजों में, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी की बातों में फंसा हुआ, वो कहीं ना कहीं बुरी चीजें देख रहा है, वो कहीं ना कहीं मूवी के गाने सुन रहा है, सुबह सुबह उठते ही मूवी के गाने चाहिए नाश्ते में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे इस बात को? एक आत्मिक व्यक्ति अपने जीवन में अपने घर की अपने परिवार की चिंता करता है। एलिशा जो था अपना एक आत्मिक था, उसे भी अपने परिवार की चिंता लगी। एलिया से कह रहा मैं अपने पिता से बात करके आता हूँ, पिता का आदर करता था वो, इसीलिए तो, नहीं तो कहाँ, कौन एलिया, एलिया मिल चुका था, कौन बाप और कौन घर के लोग ऐसा कर सकते थे। आज लोगों को इस बात की पता नहीं, उस बात की अहमियत नहीं है, उनके माता पिता का कितना बड़ा रोल उनकी जिंदगी में, वो जन्नत का दरवाजा है उनके लिए, वो इबादत करने का एक तरीका सिखा सकते हैं हमें, वो परमेश्वर सामने हमें रूबरू करा सकते, लीक पर चला सकते, इस पद चिन्हों पर चला सकते हमें। और खुदावंद जो है वो जो रास्तबाज है वो चाहता है कि हम ऐसा करें। हालेलुया, करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं। मैं आखिरी में एक और सवाल आपसे करूंगा आज फिर से, करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं मगर हम रुक गए हैं। कहां रुक गए हमें नहीं पता, किसने रोका ये भी नहीं पता, फंस गए हैं कहां फंस गए ये तो पता है, फंसे हुए हैं मगर कैसे निकलेंगे वो भी नहीं पता। आज लोग उलझन में हैं, आज लोग समझदारी में नहीं है, आज लोगों को ये ही नहीं पता कि मैं किसकी आराधना करूं, आज लोगों को ये नहीं पता कि मैं कहां पे चलूं, आज लोगों को ये नहीं पता मेरे क्या करने से मेरा छुटकारा होगा, आज लोगों को ये ऐसी सोच किसने दे दी। हालेलुया, क्योंकि संसार में परमेश्वर के लोग प्रयास कर रहे हैं वो सच्चाई को जाने, मगर झूठ का प्रचार इतना ज्यादा हो रहा है कि झूठ ही लोगों को सच्चा लगने लगा। झूठ लोगों को क्या लगने लगा, सत्य लगने। उदाहरण के लिए जब आप मार्केट जाते हैं, जब आप सुनिए ध्यान से, जब आप मार्केट जाते हैं, आप जाते हैं परिवार साथ, चलो गोलगप्पे खा के आते हैं आज, आमीन। मैंने भी कल गोलगप्पे खाए थे कल गोलगप्पे खाए, दो तीन खाए और मुझे अच्छा लगा, आप भी खाते हैं, खाना चाहिए, बढ़िया है, मार्केट जाना चाहिए। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि कई बार कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती जो हमारे लाभ की होती हैं और कई बार अच्छी मिलती हैं, मगर जब जाते हैं कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं लेने गए, आप गोलगप्पे खाने गए परिवार के साथ, ठीक है। पर शैतान ने झूठ को आपके जीवन में इतना रमा दिया कि आपको पैसे को किसी ना किसी तरीके से घात करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। आप जब खाली, आपकी जेब को खाली करना चाहते हैं, आप टेंशन में आए आने वाले हैं, आप कर्जे में जाएंगे, क्रेडिट कार्ड वाले आपको मिल जाएंगे, आप क्रेडिट कार्ड बिना मतलब बनवा लेंगे जब आपको जरूरत नहीं है। हाँ ले लो, उसके बाद क्या होने वाला, आपके पास पत्नी भी है, बच्चे भी है, मार्केट से जा रहे हैं, शाम का समय है, चकाचौंध है, लाइटें चमक धमक हो रही है, और पत्नी का निगाह पड़ गई साड़ी की, शोरूम था वहां पे लिखा 40% डिस्काउंट, जरूरत नहीं थी मगर पत्नी के मन में आया ये चाहिए चाहिए। अब पति क्या करे, अगर नहीं देंगे तो घर में शाम को तो प्रोग्राम दूसरा हो जाएगा, दूसरा प्रोग्राम होना है, खाना नहीं मिलने वाला फिर अगर नहीं, और दिया तो जेब खाली होने वाली है। शैतान ने प्लानिंग पहले से आपको मार्केट इसीलिए भेजा गया था कि आपको वो चीज दिखाएं जो आपके लिए नहीं है, मगर आप उन्हें देखें, आप उन्हें लें, चाहे आपकी जरूरत है या नहीं है। आमीन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक रजाई पे दूसरी रजाई फ्री, आपको चाहिए नहीं थी, आप कंबल ओढ़ के गुजारा कर रहे थे, आपके पास रजाई ऑलरेडी है, चलो ले लो कोई मेहमान आ जाएंगे, हालांकि साल भर पूरे मेहमान आए ही नहीं है, दो रजाई लेके आपने डब्बे में डाल दी, बॉक्स में डाल दी, और क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, अपना पैसा ब्लॉक कर दिया, आपकी जेब खाली हो गई, रजाइयां पड़ी यूजलेस है, कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, शैतान ने आपके पैसे को दूसरे के पास भेज दिया और आप खलास हो चुके। जिन चीजों की जरूरत नहीं है परमेश्वर वहां आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, परमेश्वर हमेशा आपको स्वर्ग के राज में इन्वेस्ट करने के लिए बोलता है, कभी भी वो आपको संसार में इन्वेस्ट करने के लिए बोलेगा ही नहीं है। पूरी बाइबल उठा लीजिए, परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग के राज में धन इकट्ठा करो, और वहीं हम करते नहीं है क्योंकि हम झूठ पे विश्वास करते हैं, हम उस अभिषेक पे विश्वास नहीं करते जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, हम उस उन बातों पे विश्वास नहीं करते जिनके हम ठहराए गए हैं, मगर हम झूठ पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, कोई नेता बोलो हम ये कर दें, हम विश्वास करके वोट डाल देते हैं, मगर वो करते नहीं है।
परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मगर हम डॉक्टर के फिर भी जाएंगे क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। डॉक्टर कह रहे तुम 10 दिन में ठीक हो जाओगे, अस्पताल में भर्ती हो जाओ, डॉक्टर ने 2 महीने लगा दिया वहां पे, पैसा कमाता रहा आपसे, इंजेक्शन लगाता रहा, गोलियां देता रहा, गोलियां भी ऐसी मीठी गोली दे दी है कि वो ठीक भी नहीं कर सकती, बीमार होने नहीं देगी, और आपसे पैसा हटता रहा, आपने उसकी बातों पर विश्वास किया, मगर एक अगवा कह रहा कि आप चंगे हो जाओ मैं दुआ करूंगा, उस पर विश्वास नहीं किया। अपना पैसा वहां दे के आगे डॉक्टर को, मगर खुदा के दास ने बोला भवन में बो दो, वहां नहीं बोया, लाखों रुपए लुटा के आगे। झूठ पर विश्वास करना, झूठ का चाहने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, जो उसकी चाह रखता है वो भी, जो उस पर चलता है वो भी, बाइबल का जो परमेश्वर वो क्या कहता है, वो दोनों बाहर रहेंगे परमेश्वर के राज्य से। आने वाला समय, ये अंत के समय में हम राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। सारी जातियों पर गवाही होगी, सब जातियों में गवाही हो चुकी, यीशु मसीह प्रभु है, सब जातियों में जा चुका है। जो जो कहते हैं आप भी कहते हैं, बहुत सारे विरोधी हैं, क्या विरोधी लोग यीशु का नाम नहीं लेते? लेते हैं। वो कहते हैं ये ईसाइयों का परमेश्वर यीशु मसीह है, पर वो हमारा परमेश्वर, वो किसी और का परमेश्वर है। वो जानते हैं उसे कि वो यीशु है, वो जानते हैं कि वो परमेश्वर है, वो जानते हैं, पर वो कहते हैं हमारा नहीं है। वो अंगीकार कर चुके हैं, वो जान चुके हैं, इसलिए सुसमाचार हर जगह पहुंच चुका है, विरोधियों चाहे कोई हो, अन्य जातियों, सब जगह पहुंच चुका है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अंत का समय आ चुका है, अंत का समय आ चुका। जो जो एजेंडा है शैतान का, वो अंतिम पड़ाव पर है, वो लोगों को अंदर में चिप फिट करने वाला है, लोगों के जीवन को कंट्रोल करने वाला है। अभी जब 5G आ जाएगा, हर एक को पता लग जाएगा क्या होने वाला है। आमीन। मगर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों लोग दर्द से गुजर रहे हैं। दर से गुजरना मंजूर है, मगर परमेश्वर की आवाज सुनना मंजूर नहीं है। कानों को शैतान ने बंद कर दिया। वो कहता शैतान नहीं 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 तो आपको सुबह जाना कहाँ है? नहीं तो फिर मेरा वही सवाल, आप जा कर रहे हैं अभी जो सुनने की कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर बोलने की कैपेसिटी है कि मैं 12 घंटे अला निरंतर बिना रुके नॉन स्टॉप 12 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, लगातार प्रचार कर सकता हूँ, बिना रुके बैठे रहे कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहूंगा 12 घंटे। पर सुनने की कैपेसिटी लोगों के अंदर 5 मिनट की नहीं है। आप में से बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो 2-2 घंटे सुन रहे हैं, 3-3 घंटे सुन रहे हैं, और आप ही वो लोग थे जो 15 मिनट नहीं सुन पाते थे। आप ही वो लोग थे जो परमेश्वर वचन आपके अंदर ठहरता नहीं था। आज आपकी बखानियां बड़ी हो गई, आपके हृदय बड़े हो गए, आपके हृदय में वो वचन समाने लग गया है, आपके हृदय रिपेयर किए गए हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। बहुत सारे अगुओं की प्रार्थना लगी है, बहुत सारे आत्मिक अगुओं ने परिश्रम के घुटनों पर बैठ करके परिश्रम हुआ है आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने निरंतर अपने लिए प्रार्थनाएं की है, मेहनत की है। ये जो मसीह में मेहनत है, ये बेकार जाने वाली नहीं है। आपकी भी सीरियस, मैं सीरियस होके बोल रहा हूं इस बात को। आने वाले समय में आपको खुद पता लग जाएगा आप फायदे में रहे या इधर उधर घूमने वाले फायदे में रहे। प्रॉफिट तो हमेशा आप ही का रहेगा। परमेश्वर का दास कहता मेरे लाभ है ये, मेरे लाभ की बातें हैं ये, और जो लाभ की बातें, जो भली बातें, मैं उन्हीं की चिंता किया करता हूं। आमीन। मैं उन्हीं की चिंता करता हूं, मेरे लाभ की है। आज लोगों को अपना लाभ नहीं पसंद, पता नहीं लग रहा। आज लोगों को बहुत सारे अगुवे, जो ऐसे अगुवे, जो संसारिक अगुवे, जो वादे करते हैं ये ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, वो कर देंगे, उन पर भरोसा है, संसार पर भरोसा है। मगर संसार की इस पृथ्वी, इतनी सी पृथ्वी में रहने वालों पर भरोसा है, उसके आकाश मंडल, उसकी गैलेक्सियां, इतना बड़ा रचने वाला परमेश्वर, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं। वहां तक देख ही नहीं पा रहे, आंखें ही नहीं खुली हैं। मगर एलीसा ने अपनी बुलाहट को पहचान लिया था और वो कहता था ठहर जा, मैं आ रहा हूं। आप चंद ही लोग हैं आप में से जो कहते भाई साहब ठहर जाओ, मैं भी आ रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं काम, मुझे भी चलना है, मुझे भी पता मेरी बुलाहट क्या है। आप में से सबको नहीं पता आपकी बुलाहट क्या है, क्योंकि जानने की कोशिश नहीं की। अगर कोई जानने की कोशिश कराता भी है तो कहते यार काम छोड़ना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, किराया लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, बहुत सारे हो जाते हैं। अपनी बातों के चलते उस बुलाहट को दबा दिया जाता है।
आज बिल्कुल उल्टा है। पहले चेले दौड़ रहे थे अगुवे के पीछे, आज अगुवे दौड़ रहे कलीसिया के पीछे, कॉल कर करके, घर जा जा करके, अरे भाई चर्च आ जा करो, अरे भाई कलीसिया संडे क्यों नहीं आए थे, पास्टर को चिंता, ऐसा लगता है पास्टर को ही चिंता है, पास्टर को पैसा मिल रहा है, पास्टर को बड़ा माल आ रहा बाहर से, पास्टर को बड़ा हुआ रहा, कोई किसी को माल नहीं दे रहा, किसी पास माल नहीं है, सब कंगाल हुए पड़े, सब खाली हुए पड़े। आप सोचिए आप कितना खुदा के लिए करते हैं तो दूसरा क्या करे, जब हम ही खुद खुदा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा क्या करेगा, दूसरे पास क्या माल रखा हो जो बटेगा, कोई नहीं बटता है। लोग एक ऐसे अगवे, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी टाई पहन के और ये कमीज पहन के बैठे हैं, मगर आपको ये थोड़ी पता हम भूखे बैठे हैं, खाए हुए बैठे हैं, चेहरा चमका के बैठे हुए हैं, हालेलुया। ये तो जब पता लगता है जब आपके रिश्ते आपके अगुओं के साथ होंगे, आपको पता लगेगा वो अगुआ कर क्या रहा है, वो जीवन कैसे जी रहा है। अब आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ जब जुड़ेंगे, आप हकीकत में उन हकीकत का सामना कर पाएंगे। लोग तो मुंह फट होकर कह देते हैं इनको तो धन आ रहा कैसे, पैसा मिलता है इनको ही मिलता है, मुझे आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा अगर कोई ऐसा जगह मिलती है मुझे लेके चलो, जो पैसा मिलेगा 50-50 कर लेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा, मुझे भी ईसाई बनवा दो। हालेलुया। बात तो यहां अभिषेक की है, बात तो यहां परमेश्वर से जुड़ने की है। उसने कहा वो कमर बांध के एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा, पिता से भी बढ़ के, पिता की सेवा टहल करनी चाहिए, पिता से बढ़ के अगवे को, क्योंकि दुगने आदर के योग्य है अगवे। अगर हमारी जिंदगी में अगवों का आदर ही नहीं तो हम किसी का आदर नहीं, हम केवल लाए जाओ रह गए, हम केवल रिसीव करने वाले हैं, हम बोने वाले नहीं है, हम कुछ करने वाले नहीं है। अगो का आदर क्या, पाई साहब जय मसीह की यही आदर है क्या, कमीज तो फटी पड़ी अगवे की यहां से, पर हम जय मसीह कर रहे हैं, हम उसे कुछ पर्याप्त कुछ जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा हमारी जिंदगी में, जो मैं करना चाहिए, जिस बुलाहट के हम हल चलाने के लिए बुलाए गए हल चला ही नहीं रहे हैं, हम खेत में बीज बोने के लिए बोले गए बो ही नहीं गए, हमारे हाथ में दराती काटने के लिए दराती है मगर हम काट ही नहीं रहे, जो हमारा काम है जो टैलेंट है हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए अभिषेक खत्म होता जा रहा। आज लोगों के जीवन में अन्य भाषा तो बोलते हैं, हमारा अभिषेक नहीं है। लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, मगर दर्शन कहाँ है, दर्शन ही नहीं उनके पास, निरुत्तर है। लोग कहते हैं मुझे ही वाला वरदान मिला, दिखा भाई कहां पर। लोग कहते हैं मुझे सुसमाचार सुनाने का वरदान मिला, बता भाई कौन सी जगह बैठ के तू प्रचार कर रहा है, कौन से लोगों को तूने आज सुसमाचार सुना, नहीं कौन से नुक्कड़ पे जाकर तूने सुसमाचार सुनाया, कौन सी गली मोहल्ली में आपने किसी एक को आज सुसमाचार सुनाया हो, नहीं भाई साहब मुझे तो पहुनाई का, किसकी पहुनाई की बताओ, भाई साहब मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरी सैलरी डबल हो गई है, मेरे को पोस्ट चेंज हो गई है, मैं सीनियर मैनेजर बन गया हूं, भाई प्रभु के किस काम का बता, क्या काम करा तुमने प्रभु के लिए, क्या काम कर दिया, क्या चर्च में दरवाजा लगवा दिया। हालेलुया। ये मैं हकीकत बात कर रहा हूं आपसे, और हकीकत झेलती नहीं है लोगों को, निकल पड़ते हैं, अरे ये तो ऐसी चुभती हुई बात बोलते हैं। मैं चुभती हुई बात नहीं बोल रहा हूं, वचन तो चुभेगा, वचन तो बाइबल में चुभेगा, लिखा वचन में लिखा, जब तुम वचन सुनोगे परमेश्वर का वचन तुम्हें आर पार छेदेगा, तुम्हारी गांठ गांठ को, तुम्हारे गूथे गूथे को आर पार छेदता है, ताकि तुम अपने मनुष्य के अपने संकल्प जो है उससे ठहर जाओ, रुक जाओ और परमेश्वर की ओर चलो और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं, मैं भी आ रहा हूं, ठहर जाओ परमेश्वर के दास हो, मैं भी आ रहा हूं तुम्हारे साथ। हालेलुया। उस नालायक बच्चे को जरूरत नहीं थी, उसे तो काम करने वाले बच्चे थे जो नाव में रात भर मेहनत कर रहे थे और सुबह जाल धोके घर जा रहे थे, और घर में भी जाके उन्हें आत्मिक संघर्षों से जूझना पड़ता, रोटी लाए पैसे लाए नहीं, आज तो मछलियां ही नहीं मिली, मगर उन्हें आत्मिक जूझना भी पड़ता था, उन्हें आज अगुओं जो अच्छे अगुए हैं उन आत्मिक जूझना पड़ता है। मैं कल कुछ बात सोच रहा था, लोगों को ये ही नहीं पता कहाँ पर अपना धन खर्च करना है, कर रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जहाँ पर जरूरत नहीं वहाँ बोए जा रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ बोते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा, एक्चुअली उन्हें दिख नहीं रहा क्या उनके लिए भला है, क्या उनकी बुलाहट क्या है, किस जगह, अरे खेत खलिहान सब कुछ इलझे पड़े हैं, लोग दवाइयों में बो रहे हैं, लोग डॉक्टरों में बो रहे हैं, लोग कोरोना में बो रहे हैं, इसमें बो रहे, ये टेस्ट करा वो टेस्ट करा, कहां से है भाई पैसे, जब खुदा की बारी कहते हैं ही नहीं पैसा।
पर अभी तो कह रहे हमने टेस्ट कराया था, कोरोना निकल गया, अभी कह रहे थे कि हमने तो हमने एंजियोग्राफी कराई, ये हो गया, हमें ये हो गया। परमेश्वर पास झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ के पास आके सच्चाई में पैसा लुटा देते हैं। संसार में झूठ है, उसके पीछे सब कुछ कर देते हैं। मगर अभिषेक पाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं, जो आत्मा में चलता हुआ ऐसा नहीं है। वो एलिशा ने पहचान लिया था, उसकी चादर जैसे एलिया की चादर उसके ऊपर गिरी, वो आत्मा से भर गया था। वो है आत्मा से भरना। आत्मा से कैसे भरा? जब वो स्पिरिट में भरा, उसकी अंदर की मेमोरी चेंज हो गई, उसका दिल चेंज हो गया, उसका हृदय चेंज हो गया, और वो बदल चुका था, वो और ही तरह का पुरुष हो चुका था। उसने अपने पिता की चिंता तो की थी, मगर अभिषेक को खोना नहीं चाहता था, अभिषेक को जाने देने, उस आत्मिक अगुवे को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसके कारण उसकी लाइफ में अभी हल चलाते हुए एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था, आया था, और उसे वो चख चुका था, उसके स्वाद को चख चुका। फिर वो कहता है, एलिया ठहर, मैं भी आ रहा हूं। आप में से कितने हैं जो आत्मिक अगुवे को कह रहे, पास्टर जी मैं भी आ रहा हूं? आप में से कितने हैं कि जो आत्मिक अगुवे आप कह रहे ठहर जाओ भाई, कलीसिया में ठहर जाओ, और आप कह रहे नहीं नहीं हम तो वहां जाएंगे, हम तो तुमसे बोर हो गए, हमें तो दूसरे पादरी साहब से प्यार हो गया, हमने तो किसी और से इश्क लड़ा लिया, हम तो ये घर अच्छा नहीं, हमारे तो वो घर अच्छा लग रहा है। हालेलुया, हमें तो ये अच्छा लगता है पाशा जी, पाशा जी हमें तो वहां अच्छा लगता है, हमें वहां अच्छा लगने के लिए लोग कलीसिया में जा रहे हैं, अच्छा लगे इसीलिए जा रहे हैं। परमेश्वर ने तो कहा, प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे साथ दुख उठाओ, अरे तुम क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो, क्रूस उठाना नहीं। परमेश्वर ने कहा एक वचन मती 11:28 को लेके आगे कर देते, अरे प्रभु तूने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और विश्राम लेके घर में पड़े रहते, ओढ़ के चद्दर, टीवी का रिमोट लगा के मुंह खोल के देखते रहते, प्रभु आप ही ने तो कहा था विश्राम दूंगा, हम विश्राम के लिए तो आए थे, हम क्रूस उठाने के लिए नहीं आए थे। क्रूस वाला वचन जब प्रचार हो रहा था हम चर्च में सो गए थे, हमें पता ही नहीं लगा कब निकल गया वो। पास्टर साहब ने तो बहुत प्रचार किया, पर मगर क्या करे पास्टर साहब, शैतान ने हमें नींद डाल दी थी, हमारी आंख तो जब खुली, जब किसी ने ताली बजाए हमारी आंख खुल गई, हम भी ताली बजाने लग गए, हम तो वो वचन सुन ही नहीं पाए पास्टर साहब, इसलिए हम उसे मान नहीं पा रहे। मगर हमने सुना था कि परमेश्वर आराम देगा, हम तो आराम के लिए आए हैं, क्रूस उठाएगा, वो तो हमें पता था, हमने गुड फ्राइडे को सुना था भाई साहब कि गुड फ्राइडे क्रूस यीशु ने उठा था, इसलिए सारा यीशु के ऊपर डाल देते हैं हम। हालेलुया, इसीलिए अपनी बुलाहट को पहचानो, बने रहो, मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा, 2 मिनट और रुकिए। हालेलुया, लोगों के अंधेपन पे हंसी आती है मुझे, लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है, लोगों के पागलपन पर हंसी आती है, लोगों को जो सच है वो झूठ दिखाई दे रहा है, जो झूठ है वो सच दिखाई दे रहा। शैतान यही तो करता है, झूठ को सच दिखाई देता है। मेरे पास एक चश्मा है जो मैं लगाए बैठा हूं अभी, अगर मैं इसे उतारता हूं ठीक है, अब मैं बिना चश्मे देख सकता हूं, मगर ये मुझे कैसा दिखाएगा ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें ग्लास है ग्रीन कलर के लगा देता हूं तो मुझे सब कुछ क्या दिखेगा, हरा दिखेगा, सूखी घास भी डाल देंगे वो भी हरा दिखेगा, आप गंदा संदा मटियाला मटमैला कुछ भी कलर डाल देंगे वो हरा दिखेगा, क्योंकि मेरे शीशे जो है, जो मेरा कांच है वो हरा लगा हुआ है। अगर मैं इसमें रेड लगाऊं तो क्या होगा, आप किसी भी कलर का कोई भी चीज डाल दें क्योंकि मुझे रेड ही दिखेगा, क्योंकि मुझे चश्मा ही वही लगाया गया है। और लोगों को बुराई को भलाई दिख रही है, लोगों को बुरी बातें अच्छी लग रही हैं, वो इसलिए लग रही हैं कि जो चश्मा संसार के ईश्वर ने, शैतान ने, अगुओं ने, गुरुओं ने लगा दिया है, उसमें उन्होंने शीशा अपनी मर्जी से फिट किया कि वो आपको दिखाना क्या चाहते हैं, वो आपको बताना क्या चाहते हैं, जो वो दिखाना चाहते हैं वही चश्मा आपको लगा दिया, वही दिख रहे हैं। तालियां बजा, जय जयकार, जय जयकार, इसकी जय हो, ये जिंदाबाद और वो जिंदाबाद। मगर चश्मा हटा के देखिए, आपको होश आ जाएगा, जो आपके सामने परोसा हुआ वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए परमेश्वर अच्छे अगुओं को भेजता है आपका अभिषेक करने के लिए, इसलिए अच्छे अगुए आपके ऊपर हाथ रखते हैं, आपके ऊपर चादर डालते हैं, आपके ऊपर तेल लगाते हैं। और जब वो चीजें होती है, जब अच्छे अगुवे आते हैं, इसमें हमारा भी कर्तव्य बनता है, जब पवित्र आत्मा हमें छूता है, हमें उन अगुओं के पीछे चल देना चाहिए कि रुक जाओ,
ठहर जाओ, अगर तुम हमारी जिंदगी में चले गए ये अभिषेक फिर से मुझे महसूस नहीं होगा, इस अभिषेक को मैं छोड़ दूंगा, यह अवसर मेरे जीवन से चला जाएगा। अगर आप उसके भूखे और प्यासे हैं, आप सचमुच में खुदा को ढूंढ रहे हैं, आप सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आप सचमुच में ही परमेश्वर की आराधना वर्शिप करना चाहते हैं, सचमुच में परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप उस अभिषेक के पीछे डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे, संसार को छोड़ के आ जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे वचन के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इस समय। शेयर करें, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने आशीष पाई है तो शेयर कीजिए, यदि नहीं पाई तो मत कीजिए। हालेलुया। बस इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि आज हम करना क्या चाहते हैं, आज हमारी बुलाहट क्या है, मुझे किस लिए बुलाया। थोड़े दिन में रोटी पानी का भी अकाल पड़ जाएगा, वचन का भी। अभी तो वचन का अकाल नहीं, भरपूरी है, मगर एक दिन आएगा कि वचन नहीं मिलेगा लोगों को। आज तो अगले कह रहे सुन लो भाई सुन लो, एक दिन वो कहेंगे सुनाओ सुनाओ, अब वो कहेंगे हमारा समय निकल गया है। अब यीशु मसीह जैसे कहते थे मेरा समय नहीं आया, वो समय अगवे कहेंगे अब मेरा समय नहीं, अब तो प्रभु का समय आ गया है। जब हमारा समय था तब आपने नहीं सुना। हालेलुया। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे, क्यों, कहां पर उलझ गए, ये हमें सोचना है। थिंक, ये हमें सोचना है कि हम कहां उलझ गए, हमारी बुलाहट क्या थी, हम क्या थे, हम कहां रह गए, कौन सी बात थी जहां हम उलझ के रह गए, मगर कहां रुक गए हम, कौन सी चीज ने हमें रोक लिया, कौन सी चीज ने हमें अच्छा करने के लिए रोक लिया, अच्छा ना करो, कौन सी चीज ने रोक दिया कि हम वचन ना सुने, कौन सी ऐसी बात है जिसने हमें रोक दिया कि हम इस वचन को नहीं सुनेंगे, कौन से ऐसे विचार हैं, क्या धर्म के विचार हैं, क्या जाति पात के विचार हैं, क्या और कोई विचार है जो परमेश्वर से आपका पुत्र होने के आड़ में आ रहे हैं। कोई जाति आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकती, बताओ स्वर्ग कौन सी जाति का है, बताओ स्वर्ग में कौन सी जाति जाएगी, कौन से धर्म का स्वर्ग है, अगर किसी एक धर्म को हो तो बाकी तो बाहर रह जाएंगे। लोगों के यहां से खाली कर दिए, ब्रेन वॉश कर दिए लोगों ने। स्वर्ग किसी का नहीं, स्वर्ग परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का जन है वही उसमें जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे, चाहे कितने यहां बैठ के सर्टिफिकेट काट लो। कोई चांद पे प्लॉट काट रहा है, कोई मंगल ग्रह पे प्लॉट काट रहा है, कोई कहीं काट रहा है, कहीं काट रहा, सोचते धरती पे तो कब्जा कर लिया। अरे धरती पे इसलिए कब्जा कर लिया क्योंकि उसने आदम को बोला था तुम धरती को वश में कर लो, कर लिया तुमने। उसने चांद को वश में करने के लिए नहीं बोला, उसने मंगल ग्रह को वश में करने के लिए नहीं बोला जो आप मंगल पे काट दोगे प्लॉट, नहीं, वो कर ही नहीं सकते। हालेलुया। लोग कितना सब कुछ करते, कितनी सरकारें बदली, लोग कहते हम गरीबों को हटा दें, गरीबी गरीबी हटा देंगे, वो क्या चाहे उनकी 10 पीढ़ी क्या पुस्तैनी नहीं कितने चले जाए, गरीबी हटा ही नहीं सकते क्योंकि वचन में लिखा प्रभु यीशु ने कहा गरीब सदा रहेंगे, कोई नहीं हटा सकता, वचन कभी टालन नहीं ना टाल सकता, आज भी वो बना हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, जितने भी लोग हैं इस समय ठहर के सुनिए। यूं तो बहुत कुछ आपने अपने जिंदगी में किया है, लाइफ में किया है, यूं तो आपने आप सब ने बहुत कुछ किया, किसी के लिए कुछ किया, किसी के लिए कुछ किया, किसी की भलाई की, किसी को जूते पहनाए, किसी को कुछ कर दिया, कोई बच्चों के लिए घर बना दिया, उनकी शादियां कर दी, गाड़ी खरीद दी, ये कर दिया, वो कर दिया, यूं तो बहुत कुछ आपने सबके लिए किया होगा, मगर थोड़ा सा कुछ आज अपने लिए कर लो कि तुम मरने के बाद कहां जाओगे। आज कुछ अपने लिए कर लो, वो भक्ति भजन कर लो कि आने वाले संकट में आप बच जाओ। थोड़ा सा अपने लिए मेहनत कर लो, आपने मेहनत सबके लिए लगाई है, आपने अपना रुतबा सबके लिए लगा दिया, आपने अपना तन मन धन सब कुछ जला दिया, फूंक दिया, लोगों के पीछे पैसा बर्बाद कर दिया। आज लोग ऐसे दूसरों को पैसा देके फंस गए, वापस नहीं आ रहा। लोगों का तो यही रहेगा, लोगों का व्यवहार यही रहेगा, वो आपको छोड़ देंगे अपने मतलब के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आएंगे, और आप उसी स्वार्थी लोगों के साथ ही जीवन जीना ज्यादा पसंद करते ना कि परमेश्वर के। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं थोड़ा थोड़ा सा कुछ अपने लिए कर लो,
क्यों कर लें, ये एक सवाल है। जब सब आपको छोड़ देंगे, जब आप कूच करेंगे, कौन जाएगा आपके साथ, कौन सिफारिश लगाएगा ऊपर जाके कि प्रभु ये बंदा आया इसे अंदर ले लो। परमेश्वर क्या भाई, क्यों क्यों ले लो अंदर, क्यों ले लो अंदर, इन्हें कौन सा काम करा ऐसा? एक दिन भी मेरी बात सुनी हो तो बता, एक दिन भी मेरे लिए काम किया तो बता। पूरा जीवन 70 साल का जीवन था, 70 साल में ये ऊपर आया है, मरने के बाद ऊपर आया है। 70 साल में इसने अपने बच्चों के लिए किया, 70 साल में इसने अपनी पत्नी के लिए किया, 70 साल में इसने ओ ओ पब में गया है, 70 साल में इसने दारू के ठेके पे गया है, 70 साल में वह विचार कर रहा है, 70 साल में पाप करे हैं, 70 साल में इसने पत्ते खेले हैं, 70 साल की जो जिंदगी थी उसमें इसने बड़े बड़े बुरे काम किए, गंदी आंखों से देखा, इसने कभी पश्चाताप नहीं, ये नहीं सोचा क्या 70 साल में जो धन कमाया अपने बैंक में रख दिया, 70 साल में जो कमाया बच्चों को दे के आ गया, अब यहां आया तो खाली हाथ आया, खुदा के लिए क्या करा? कुछ एक काम ऐसा बता के मैं इसे स्वर्ग में ले लूं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो संसार में जीवन जी रहे हैं, अरे आप वैसे नहीं मरेंगे तो कोरोना मार देगा, मार ही देगा वो जरूर। मैं कल की एक तस्वीर देख रहा था, लखनऊ की थी, मैं एक वीडियो देखा लखनऊ का था, लखनऊ के कब्रिस्तान, लखनऊ के शमशान घाटों में आग ऐसे लग रहे जैसे किसी फैक्ट्री में बिल्डिंगों में आग लग जाती है, इतनी सारी लाशें जल रही हैं। वो एक जगह की बात है, मुंबई में देखे, दिल्ली में देखे, दिल्ली का निगम बोध घाट भरा हुआ है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अपने लिए कुछ कर लो, नहीं तो मुर्दे घाटों में भी वेटिंग है, वेटिंग में, अभी अभी वेटिंग में देख रहा था, जलाने के लिए एक एक व्यक्ति जो मुर्दा मर गया उसे जलाने के लिए 12-12 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, वेटिंग है वहां भी। तो जब मरने वालों के लिए भी वेटिंग है, जीने के लिए वेटिंग है, खाने के लिए वेटिंग है, हर जगह वेटिंग ही वेटिंग है, तो स्वर्ग में क्या हाल होगा, वहां जाने वालों का क्या हाल होगा? वहां तो केवल वही जाएगा जिसने अपने रास्तों को क्लियर कर लिया है, वहां तो वही जाएगा जिसने कहा ठहर जा, मैंने पहचान लिया अपनी बुलाहट को, मैं आ रहा हूं, मैं यहीं पर हूं प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं इस बात को जान लिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कुछ अपने लिए भी कर लो आज, नहीं तो मरेंगे तो वेटिंग में जाएंगे। जितने मर चुके वो आज वेटिंग में हैं। एक दिन मनुष्य का मरना और उसका न्याय होना नियुक्त है, सब अधोलोक में बने अभी, हालेलुया, एक दिन आएगा सबका न्याय, सब लाइन में खड़े होंगे और खुदा से कोई सिफारिश आपके लगाने वाला नहीं। मेरा बेटा मेरी नहीं लगाएगा, मेरी पत्नी मेरी सिफारिश नहीं लगाएगी, तो और करेंगे क्या? वो मैं उनकी नहीं लगा सकता, वो मेरी नहीं। बाइबल में कहा सबको अपना बोझ उठाना पड़ेगा, सबको अपना बोझ, कौन सा बोझ है? ये वो बोझ है जो मती 11:28 सुन के आपने अपना बोझ प्रभु पे नहीं डाला, ये वो बोझ है, ये वो बोझ है जो पाप का बोझ अभी भी बना हुआ है, ये वो बोझ है जो डिप्रेशन का बोझ है, आपके टेंशन है, आप सोच रहे हैं कि मैं पश्चाताप करूं या ना करूं, मैं यीशु को ग्रहण करूं या ना करूं, अगर मैं यीशु को ग्रहण करता हूं ईसाई बन जाऊंगा, अगर मैं यीशु को ग्रहण करता हूं लोग मुझे ये बोलेंगे, हालेलुया। मैं देखता हूं हमारे यहां पर एक वो है, एक जगह है जिसका नाम है कल्याणपुरी, कल्याणपुरी दिल्ली में है, और वहां पर एक एक फ्लाईओवर है जो नाले के किनारे, वहां से जब सर्विस लेन में जाते हैं तो वहां पर एक कब्र है, एक एक व्यक्ति कब्र है जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, जिसे एक दरगाह कहते हैं, उस टाइप की है। और मुझे मुझे तो ये पता नहीं, उनको पता नहीं, पता वहां के चलने वाले लोगों को, रहने वाले लोगों को पता है नहीं पता, पर मुझे पता है क्योंकि मेरी आंखें खुली हुई है, मुझे पता उस कब्र में एक मुर्दा है, उस कब्र में एक मुर्दा मर गया है जिसकी हड्डियां हैं, चमड़ा सड़ गया है, उसकी शक्ल खराब हो चुकी है, मिट्टी में मिल चुका है, केवल हड्डियां वहां पर हैं, और लोग आके उसके सामने झुक रहे हैं। वहां पे हिंदू भी आते हैं, वहां मुसलमान भी आते हैं, वहां कुछ बिगड़े ईसाई भी आते होंगे,
वहां पर और भी तरह के लोग, हर जाति के लोग वहां पर आते हैं, और जो वहां पर एक बच्चा सा बैठा रहता और उसके सामने झुकते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं वहां पे, और बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पर, पैसे वाले लोग गाड़ियों में आते हैं, मगर वहां छोटा सा एक बच्चा बैठा रहता, वो छोटा बच्चा क्या सिखाएगा उन्हें? कुछ भी नहीं। और वो मुर्दा जो दफन हो चुका वो क्या सिखाए? लोग आज जीवते परमेश्वर को ढूंढने की बजाय मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के उस दूत ने मरियम से क्या कहा था? जो जीवित उसे तो मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो जिंदा परमेश्वर, मुर्दों में जी उठा है। आज लोग ये कर रहे हैं, जब वहां पर जा रहे हैं तब वो उनका धर्म चेंज नहीं होता। जब तांत्रिक के पास जाते हैं तब धर्म चेंज नहीं होता, मगर जब यीशु के पास आते, जब उनके थिंक सोच उठ जाती है, जब उनकी सोच उठती है, अरे यार लोग क्या बोलेंगे, अरे यार मैं ईसाई बन जाऊं, अरे ये, हालेलुया, सबसे ज्यादा चिंता मरने की चिंता, मर गई तो हमें तो मिट्टी में दफना दिया जाएगा भाई। अरे भाई कौन सा धर्म है जो मिट्टी में नहीं दफनाता? हम तो जलाते हैं, ये दफनाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं दफनाने वाले। अरे भाई कोई से भी धर्म में, चाहे हिंदू में चले जाएं, जब उनका बच्चा 10 साल से नीचे का मरता है तो क्या करते हैं? उसे वो जलाते नहीं है, उसे वो दफनाते हैं, उसमें भी तो कीड़े ही पड़ते हैं। मुस्लिम है वो दफनाते हैं, ईसाई है वो दफनाते हैं, सरदार है वो दफनाते हैं, जवान बच्चे जो मैरिड नहीं होते उन्हें दफनाते जलाते नहीं है। छोटा बच्चा हो, 10 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल का हो, 12 साल का हो, वो दफनाते हैं, जलाते नहीं। वो एक ही दशा है जिसमें मुर्दे जलाए जाएंगे, मगर हम अड़ जाते किसी बातों पे। निर्बुद्धि होने के साथ साथ हम अपनी बुद्धि को खो के दूसरे की बुद्धि से चलते हैं। हमारी बुद्धि का रिमोट जब दूसरे के हाथ में हो, हमारी बुद्धि का रिमोट जब दूसरे के हाथ में हो, हम देख नहीं सकते कुछ भी, हमारी आंखें बंद हो जाती, हम सोच नहीं सकते। ये चीजें हमें परमेश्वर वचन ही है जो आईना है, ये वचन जब आप पढ़तेंगे क्यों? अरे परमेश्वर का वचन लोगों के पास नहीं है, जब परमेश्वर वचन नहीं है सामर्थ कहां से? दुष्टात्मा ही बसेंगी, दुष्टात्मा को ढूंढोगे, इस तांत्रिक के पास जाओ, इस बाबे के पास जाओ, इस दादी के पास जाओ, यहां से कुछ हो जाएगा, यहां से कुछ हो जाएगा। लोगों को पता रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है, ठीक, फिर भी नहीं, फिर भी अस्पताल में पड़े हुए, पैसा भी है वो है, क्या हो रहा है? रिपोर्टें नॉर्मल है और आप चंगे नहीं हो रहे। डायरेक्टली आप इस बात को समझने में देर मत लगे कि दुष्टात्मा है घर में। भाई दुष्टात्मा ने आपको बीमार इसलिए क्या हुआ है कि वो आपको ना तो चंगा होने देगा और आप डॉक्टर के पास पड़े रहेंगे, वहां से ठीक नहीं होंगे, रिपोर्टें नॉर्मल आती है, ये कराओ, ईसीजी करा लो, अब ये करा लो, अब वो करा लो, अब वो करा लो, तुम्हारे लाखों रुपए खर्च हो गए फिर भी तुम्हें आराम नहीं मिला, और जब तुम घात हो जाओगे, जब तुम बिल्कुल खाली हो जाओगे, तब कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, जब आपका बल टूट जाएगा तब कहेंगे कहीं चर्च में, हाँ चलो चलो लेके चलो, जब अंधे की तरह हो जाएगा, ले चलो कोई तो बता दो हमारे रास्ते, जमा कहेंगे हाँ अरे प्रभु के लिए कुछ करने के बारे हैं, भाई साहब हम तो डॉक्टर को लुटाए, अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। खुदा के पास आने के लिए कुछ नहीं लोगों के पास, हालेलुया, अपना जीवन तक नहीं, लोग अपना जीवन नहीं देते, हालेलुया। आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, एक दिन आने वाला है, मैं आपको बताना चाहता हूं, निकालिए प्रकाशित वाक्य, निकालिए प्रकाशित वाक्य, और ये ना हो जाए लिख लीजिए आज, लिख लीजिए आज, और ये होने वाला है। देखिए उसका 13 नंबर को बड़ा खतरनाक समझते लोग, 13वां अध्याय, यहां पर अगर हम देखें इसके 16 पद को कोई भेज देंगे, 16 पद को कोई भेजें ताकि इस 16 पद को हम पढ़ सकें। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी। किसने करा दी? संसार के हाकिम ने, हालेलुया। और आप में से जितने लोगों के पास आधार कार्ड है, मेरे पास भी है, कहीं नहीं है कहीं, हम 666 के दरवाजे में एंट्री कर चुके हैं, हमारे आंख को स्कैन कर दिया गया, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं, हम उसमें एंटर कर चुके हैं, मगर हम उसके नहीं हुए अभी, अभी नहीं हुए, अभी आप डेवल के नहीं हुए, अभी आपके ऊपर मोहर लगना बाकी है। जब मोहर लग जाएगी, जब आपके अंदर चिप फिट कर दी जाएगी, जब आप जिस धन को लेके आप कूद रहे, मेरे बैंक में इतना पैसा है,
इस वचन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपकी करेंसी खत्म हो जाएगी आने वाले समय में, होरी दो दो तीन साल रुक जाइए, सब कैशलेस हो जाएगा, और जितना धन आपको कैश दिख रहा है मेरे पास ये हुआ, सब कुछ डैमेज हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए परमेश्वर कहता था यहाँ बिगड़ेगा, यहाँ यहाँ धन बिगड़ेगा आपका, यहाँ कीड़े खाएंगे, कीड़ा कौन है, वो शैतान खा जाएगा। यहां पर क्या कहता है, यहां पर वचन कहता है क्या, स्वतंत्र स्वतंत्र लोगों को भी, जो कहते हैं हम मसीह में आजाद हो गए हैं, जो कहते हैं हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है, उनको भी प्रेशर किया जाएगा कि वो भी अपने हाथ पर अपने माथे पर मोहर लें और छाप कराएं। 17वां पद में लिखी, उसको छोड़कर जिस किसी पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके अंक का ना, अंक ना होगा तो कोई अन्य लेन देन नहीं कर सकता। लेन देन का मतलब आप राशन नहीं खरीद पाएंगे, फिर आपके पैसे बेकार हो जाएंगे जो आपके पास कैश है। अभी लिख लो, आज इसकी शुरुआत अमेरिका से हो चुकी है। अमेरिका में अभी क्या कर दिया गया, जितने लोगों ने टीके नहीं लगवाए, जितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनके लिए लागू कर दिया, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और जिनके पास वैक्सीन नहीं है उन्हें राशन नहीं मिलेगा, उन्हें दुकानों से राशन नहीं मिलेगा, और जिन्हें राशन चाहिए उन्हें अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हमने वैक्सीन लगा लिया, हमने कोरोना टेस्ट करवा लिया, हमने ये वाली चिप वाली लिक्विड फॉर्म में जो चिप है जो वैक्सीन में है उसको लगवा लिया है, तब जाके उन्हें राशन मिलेगा, उनके घर की बिजली जलेगी, क्योंकि ऐसे मीटर आने वाले हैं जो आपको फोन की तरह रिचार्ज होंगे, फोन की तरह रिचार्ज होंगे, मीटर ऐसे आने वाले हैं, आपका रिचार्ज खत्म हुआ आपके पास पैसा नहीं होगा, उसी तरफ तुम्हारी लाइट कट जाएगी, चाहे आप कितने भी चिल्लाते रहो, कितने भी आप भयंकर भयंकर परिस्थिति में है, कितने भी भयंकर पसीना पसीना हो रहा, आपका हार्ट फेल हो रहा है, आपको सांस घुट रही है, कुछ भी हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकारों को। और बहुत सारे लोग तो इसलिए छाप ले लेंगे क्योंकि वो सोचेंगे अरे मरना ही तो है, भूखे क्यों मरे, मगर वो परमेश्वर को खो देंगे। क्या लिखा, छोटे से बड़े, धनी भी एक ही लाइन में खड़े होंगे, कंगाल भी एक ही लाइन में खड़े होंगे, रेडी वाला भी एक ही लाइन में, फैक्ट्री वाला भी एक ही लाइन में, करोड़पति भी और रोड़पति भी और मध्यम क्लास का एक ही लाइन में, और आज हम देखते हैं सब एक ही लाइन में खड़े, एक ही भय में खड़े, एक ही तरह का टीका सबको लगाया जा रहा है। और यहां पर क्या कहते, क्या स्वतंत्र, क्या धनी, क्या कंगाल, क्या स्वतंत्र, क्या दास, दास का मतलब नौकर चाकर, सब सबके दाहिने हाथ में उसके माथे पर या उनके माथे पर क्या हो गया, एक छाप करा दी, और लिखा कि उसको छोड़कर किसी जिस पर वो छाप नहीं होगी अर्थात उस पशु की छाप, वो पशु कौन है, 666 वाला वो सर्प, वो शैतान, जिस पर वो छाप नहीं होगी वो कोई अन्य लेन देन नहीं कर सकता। ज्ञान इसी में है कि जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, जिन्होंने अभी भी टांग के दर्द में चल रहे वो रोएंगे तड़पेंगे, जिन्हें अभी लगता है तो मेरे घर में राशन नहीं, इसीलिए मैं तो इसलिए प्रभु के पास आया, मेरे को आराम मिलेगा, आराम आराम, अरे आराम तो हो जाएगा हराम, आराम हो जाएगा हराम, हालेलुया, अभी यही साल रुक जाइए आपको पता लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम एक सच्चा वचन आपको दे रहे हैं कि परमेश्वर आज इस समय आपको चाहता है कि आप परमेश्वर के नाम की महिमा करें। उसके बाद कटनी आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। शैतान ने कॉपी कर दिया सारे आइटम को, क्या कॉपी किया, देखिए देखिए क्या किया, 7वां अध्याय निकाले प्रकाशित वाक्य का, यहां पर हम देखते हैं, पहले पद से मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा ध्यान से, लिखा इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत देखे, परमेश्वर के दूत देखे, वे पृथ्वी के चारों ओर हवाओं को थामे थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या पेड़ पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और दूत को स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से उत्तर की पूरब से ऊपर की ओर आते हुए देखा। उसने उन चारों दूतों से कहा जिन्हें पृथ्वी पर समुद्र और हानि करने का अधिकार दिया गया था, उनसे सबसे पुकार कर कहा। सुनिए, 4 स्वर्गदूत ऐसे हैं जो पृथ्वी की हानि करेंगे, समुद्र की हानि करेंगे, लोगों की हानि करेंगे, और ये होगा, ये हट
नहीं सकता। क्या लिखा यहां पर? लिखा जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर ना लगा दें। परमेश्वर के दासों पर मोहर लगाने के लिए एक स्वर्गदूत ठहराया गया कि उनकी मोहर लगा दो कि परमेश्वर के हो गए, इनके नाम जीवन की पुस्तक में आ जाएंगे और ये एंटर कर जाएंगे परमेश्वर के राज्य में। मगर शैतान इतना चतुर है, उससे पहले अपनी मोहर को ले आया, लगा दो जी 666 की चिप, लगा दो जिनको टीके लगा दो ये कर दो, सबको एक ही दशा में ले आए और पॉपुलेशन एक अरब से कम रखी जाएगी, पॉपुलेशन जितनी भी ज्यादा वो घट कर दी जाएगी, चाहे उन्हें किसी भी तरह से मारना है, भूखे मारो कुछ भी मारो मर जाएंगे। इसलिए आज आज जितने लोग मर रहे हैं क्यों किसी को चिंता नहीं है, यही कारण है और होगा यही जो परमेश्वर, कितने लोग चिल्ला लो सरकार को वो बदलेगी नहीं, कितने लोग चिल्ला लो किसी नेताओं को वो बदलेंगे नहीं, कितने लोग चिल्ला लो किसी को वो बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये समय ऐसा आ चुका है, वही होगा जो बाइबल में लिखा, वही होगा जो परमेश्वर परमेश्वर ने लिख दिया है। क्यों ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अपने आप को नहीं बदल रहे, जो खुद को नहीं बदल रहे, जिन्होंने मोहर नहीं ली, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, गए वो काम से गए। हालेलुया। यहां क्या लिखा? जब तक हम अपने परमेश्वर दासों की माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और उसमें पेड़ों की हानि ना करना, और जिन पर मोहर दी गई है मैंने उनकी गिनती की, अर्थात इसराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई, एक एक गोत्रों में से। तो जब परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों पर मोहर लगा दी जाए, वो उसके हो जाएंगे, तो शैतान भी चाहता है कि वो अपने लोगों पर मोहर लगाए, उसकी गिनती कितनी है, उसकी काउंटिंग कितनी है, उसके पक्ष में कितने लोग आएंगे। ये एक गेम है, ये एक युद्ध चल रहा, संग्राम चल रहा है, शैतान अपनी तरफ खींच रहा है। उसने आदम से कहा था, आदम के बेटे से कहा था, देख पाप द्वार पे खड़ा हुआ है, उसकी लालसा तेरी हो रही है कि वो तुझे अपने पास ले ले। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जीते, इसलिए लेन देन नहीं होने वाला। अभी क्या होगा? अभी आपका आपका आधार कार्ड खत्म हो जाएगा, आधार कार्ड जिस सब कह रहे सब कुछ इसी में, ये भी खत्म हो जाएगा। हम तो पहले से नंबर में हैं, पहले से नंबर में, जब आपके पास मोबाइल आया उसी समय से नंबरिंग शुरू हो गई थी। हालेलुया। आधार कार्ड में हो गया, मगर अब जरूरत है कि हम उन मोहर को ना लें जो अभी है। किसी ने बोला कि जी मैंने वैक्सीन लगा दी, भाई तो बाइबल पढ़ लेता पहले, मुझे डर है कि वो मर ना जाए बेचारे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। हकीकत लोगों के सामने है, झूठ भी लोगों के सामने है, मगर लोग नहीं हो रहे। आज खुदा के दास, दुख इस बात का कि खुदा के दास कह रहे वचन सुन लो, अरे ठहर जाओ ठहर जाओ, ये अपोजिट होना चाहिए था। लोगों को बोलना चाहिए पास्टर जी ठहरो थोड़ी सी और, हमें और थोड़ा सा सुना दो, हमें और थोड़ा सा बचा दो। ये तो प्रेतों की दूसरी कलीसिया में होता, दूसरे अध्याय की कलीसिया में होता था। आज की कलीसिया कहाँ है ऐसी? आज के लोग कहाँ ऐसे कि कॉल करके बोले पास्टर जी समझ में नहीं आया। हाँ, कोई भाई प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा था और उसकी कॉल मुझसे कनेक्ट की गई और वो कह रहे थे मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा हूँ पास्टर जी, ये बात समझ में नहीं आई। ऐसे लोग हैं ढूंढने वाले, ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, और जहां बाइबल ही नहीं वहां सामर्थ कहाँ? जहां बाइबल ही नहीं, जहां परमेश्वर वचन ही नहीं, वहां छुटकारा कहाँ? जहां परमेश्वर का वचन ही नहीं, आदर ही नहीं, सम्मान ही नहीं, उनके छुटकारे कहाँ रहे? उनके अंदर सामर्थ कहाँ रहे? वहां दुष्टात्मा कैसे छुटकारा पाएंगे? वहां पे शैतान कहाँ छोड़ के जाएगा? समस्याएं गंभीर है। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम यहोवा के सम्मुख आए और अपने शीशों को नवाएं, अपने अपने जीवन में उसका आदर करें, सम्मान करें, उसका जो वचन है, उसका जो कलाम है, जब हम सुनते हैं वो ही हमें कंफर्ट देगा। आज संसार हाहाकार मचा रहा, आज संसार में जयजयकार की बजाय हाहाकार हो रहा है। आमीन। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आज आप बचाए जाए, जितने लोग आपके हैं आप उन्हें कम से कम चिता सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं, और जितने लोग वचन नहीं सुनते ध्यान से सुन ले, एक दिन धोखा खाएंगे। यदि आपने वचन नहीं सुना दोबारा से सुनिए, से धोखा मत खाओ। परमेश्वर का वचन क्या? धोखा मत खाओ, क्योंकि दिन बुरे आ गए, कोई आपका फेवर लेने वाला नहीं है। संसार में कौन है जो आपका फेवर लेगा? लोगों अपनी चिंता नहीं, अभी भी इतनी सच्ची सरल बातें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं अभी भी।
मैं देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ, लाइव जाते हैं 80-90-100 हो जाते हैं, 150 जाते हैं, कल भी 200 होने वाले थे, 150 होने वाले थे। तब क्या हुआ, समझ में नहीं आया कि पास्टर ने बोला कल भी उठना है, समझ में नहीं आया, हिंदी समझ में नहीं आई, क्या मैं उर्दू में प्रचार करूं, क्या मैं फारसी में बोल रहा हूं अभी, क्या मैं ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूं जो आपको समझ नहीं आ रही है, क्या ऐसी भाषा है कि आपके दिमाग से बाहर जा रही है। बिल्कुल सरल हिंदी, सरल बात में समझाया जा रहा है, मगर लोगों के अंदर के जो कपाट है ये ऐसे बंद कर दिए हैं, ऐसे द्वार बंद कर दिए कि उनके कामों कानों में एक हवा पास हो जाए, ऐसे भी वचन नहीं जा सकता। तो मैं कहना चाहता हूं फिर से, मेरा वो इस सवाल है कि आपने साथ सबके लिए जीवन जिया, आज अपने लिए जी के देख लो। शायद आपने दुनिया को सब कुछ दे दिया, आप रोते हो कई बार कि मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, इसने मेरे लिए ऐसा बुरा करा, आपने ठोकरें खाई हैं, आपके दिल तोड़े गए, दुखाए गए हैं, आपके दिल, आपके दिलों में दरारें हैं, आपके दिलों में कुछ जगह घात लगे हुए निशान हैं, आपके अपनों ने जख्म दिए हैं, आपके आपके दूसरों ने जख्म दिए, जिससे आप प्यार करते थे, जो आपके प्यारे थे, बेशक वो खून के रिश्ते नहीं थे, आपके आपके यहाँ काम करने वाले हो सकते हैं, नौकर हो सकते हैं, आपके मित्र रिश्तेदार हो सकते हैं, मगर आपको ठोकरें मिली। मगर आज ये परमेश्वर का कलाम ये कहता है, मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगा। आपने सबके लिए भला करके देख लिया, मगर ये देखो आपके लिए कुछ नहीं हुआ। आपने सबके लिए किया, पर मगर आपने अपने लिए क्या किया? आज मैं ये कहना चाहता हूं, आज एक ऐसा दिन निकालें कि आप अपने लिए करें। अगर आज आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो आप क्या लेके जाएंगे? आज आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो आपके हाथों में क्या होगा? आपके आपके काम काम ऐसा तो कुछ काम कर लें ताकि आपको लगे कि मैंने आज एक अच्छा काम कर दिया, और ताकि उस एक अच्छे काम को देख करके परमेश्वर मुझसे खुश हो जाए। मैंने आज अच्छा बीज बो दिया है कि मेरा परमेश्वर इसी को देख के मुझ पर रहम कर ले। मैंने जिंदगी भर दूसरों के लिए लुटा दिया, मैंने खूब पसीने से पैसा कमाया और खूब इकट्ठा किया था, और कोई शैतान के रूप में मेरे पास आया, रोया, आंसू बहाए, दिखावटी आंसू बहाए, और मैंने उसकी सहायता करने के लिए पैसा दे दिया, जो मेरा पसीने का पैसा था उसने दबा कर रख लिया, आज वो दे नहीं रहा, आज उसका दुख मेरे ऊपर, मैं उसके दुख में साझी हो गया हूं। मगर आज वो पैसे नहीं दे रहे, आज कठिनाई में खूब पैसा कमाया, किसी काम का नहीं रहा। लोग जिंदगी भर चटनी से रोटी खाते हैं, पैसा जोड़ने के लिए चटनी से रोटी खाते हैं, फटेले कपड़े पे आ जाते हैं, मगर क्या आखिरी में क्या आ जाते हैं? किसी और के लिए छोड़ के चले जाते हैं। मगर खुदा पूछता है, तूने कुछ ऐसा करा आज? जिंदगी भर दूसरे के लिए भागता रहा, क्या अपने लिए कभी कुछ किया? आज खुदा आज खुद अपने आप से पूछे, क्या आपने अपने लिए कुछ किया जो परमेश्वर के सामने आपको धर्मी ठहरा सके? क्या आपने प्रभु के सामने कुछ आपने संसार में कुछ ऐसा कर दिया है कि आप परमेश्वर से कह सके, प्रभु मैंने तेरे लिए काम किया था? कैसा है आपके पास? यदि नहीं है तो चौकस हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये संसार का अंत निकट है, और कब हमारी नाव डगमग हो जाए कुछ पता नहीं, कब बीमारी आ जाए कुछ पता नहीं, कब मृत्यु का बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। जो लोग पाप में जीवन जी रहे उन्हें तो मृत्यु निगल लेगी, निवाला बना के खा जाएगी। हालेलुया, बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं था कि मरेंगे, मगर वो मर गए। बहुत सारे लोगों ने कल्पनाएं की थी हमने बहुत सारा काम करना है, मगर वो मर गए। इस लहर ने, इस मृत्यु की लहर ने एक एक घर पर दस्तक दी है, एक एक परिवारों में दस्तक दी है। विश्वासी परिवार मर गए हैं, विश्वासी परिवारों में, मैं विश्वासी नहीं कह सकता उनको, लजर पजर विश्वासियों के घरों में भी दस्तक, खट 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 खट, हर जगह कॉपी, हर जगह कॉपी। हालेलुया, प्रभु ने कहा था, प्रभु ने कहा था कि तुम अपनी चौखट पर लहू लगाना, शैतान ने उसे कॉपी कर दिया। शैतान ने क्या किया, अब एक हंडिया लेना, उस पर भूत का मुंह लगाना, और वो नए मकान बनाते उसे टांग देना, ऐसा लगता है जैसे भूत का घर है ये। हालेलुया, जिस जूते को आप नहीं पहनते, जो जूता फट जाता है, आपके जूते में खरोचे आ जाए, आप उसे पहनते ही फेंक देते हो, मगर उससे भी फटा हुआ जो कूड़े पे पड़ा रहता है, कूड़ी पे पड़ा रहता है, एक मकान बनाने वाला इतना पैसा लगाता है, लाखों करोड़ों रुपए मकान में लगा देता है, 10 लाख 20 लाख 25-30 लाख रुपए में मकान बनता है,
फ्लोर खरीदता है और उसके सामने गली में से कूचे में से नुक्कड़ से एक फटा हुआ जूता, सड़ा हुआ जूता लाके उसके ऊपर टांग देते हैं। ये है बुद्धि लोगों की, लगता है जूते का ही घर है। मगर परमेश्वर ने कहा था ब्लड लगाना, परमेश्वर का लहू लगाना। शैतान ने उसे कॉपी करके उन्हें जूता लटकवा दिया, उसने भूत का मुंह लटकवा दिया, पता नहीं क्या क्या करवा दिया। हालेलुया। प्रभु ने कहा था मोहर लगाएंगे हम अपने लोगों पर, शैतान ने आज लोगों पर मोहर लगानी शुरू कर दी। परमेश्वर ने बोला मुझे सजदा करो मैं तुम्हें उठाऊंगा, शैतान यीशु मसीह को आके बोलता है मुझे सजदा कर मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। आज लोगों को यही कह रहा है शैतान, आज वो पैसे से लेकर गोबर तक आपको दे सकता है। पैसा फाइनेंस जो भी है, अगड़म झगड़म संसार का वैभव पाप जो मर्जी करो मजा आएगा, मजा दे सकता है वो तुम्हें। तुम्हें सेक्स करना अच्छा लग सकता है, तुम्हें किसी लड़की को ताकना अच्छा लग सकता है, तुम्हें किसी के लिए गंदी बातें बोलना अच्छा लग सकता है, तुम्हें दारू पीना अच्छा लग सकता है। शैतान उनमें तुम्हें भरपूरी देगा जितना मर्जी। तुम्हारे पास पैसा नहीं कोई बात नहीं, ठेके पे जाओ कि कोई तो उधार दे देगा। दारू पीने वाले को उधार मिल जाता है, हमें नहीं मिलता आज तक भी। बुरे करने वालों को उधार मिल जाता, पता नहीं कहां से खड़े रहते लोग। शैतान ने ऐसे एजेंट खड़े किए हैं कि बुराई करने वालों के लिए सारा धन उपलब्ध है, उनका केस लड़ने के लिए ऐसे वकील उपलब्ध हैं, झूठ को सच बनाने के लिए उपलब्ध हैं। हालेलुया। हर चीज आपको अपोजिट मिलेगी सच्चाई के खिलाफ, मगर एक सच्चाई ही है जो हमेशा जयवंत होती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके दिल बेशक टूटे हुए, आपके दिलों में जख्म हो सकते हैं, मगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके जख्मों पर मरहम लगा देगा। आपको जरूरत है कि ठहरो मैं आ रहा हूं, आपको जरूरत है प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, परमेश्वर मैं तेरी सुनना चाहता हूं, मैं अच्छी बातों को और अपने जीवन में ऑब्जर्व करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं अपने जीवन को बदलते हुए देखना। मैं वो कॉपी नहीं देखना करना चाहता कि मोहर आपकी लगनी थी कोई और ठोक के चला गया यहाँ। हालेलुया। माल कहीं और का था और मेड इन चाइना लिख दिया या मेड इन इंडिया लिख दिया, बनाया किसी ने था और मोहर किसी और ने लगा दी। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आपका परिवार आपके लोग परमेश्वर के सृजे हुए लोग हैं। प्रभु ने आपको सजा, वो प्रभु जो पूरी पृथ्वी का प्रभु है, जो आपका मालिक है, उसने सृजा है, आप किसी और के नहीं हो सकते। डेवल आपके ऊपर मोहर लगाना चाहता है कि आप उसके हो जाएं, मगर वो ही लोग उसके हो जाएंगे जो अपने अभिषेक में नहीं है, वो लोग उसके हो जाएंगे जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो लोग ज्यादा जल्दी हो जाएंगे जो वचन नहीं पढ़ते हैं, जिनके पास बाइबिल रखी है और वो शैतान को कहते हैं जिन दुष्टात में आती है देखो मेरे पास बाइबिल है, कहता मेरे पास तो तेरे पास बाइबिल है, मेरे पास तो अंदर भरी पड़ी है, तू इसे पढ़ के सुना मैं तुझे इससे ज्यादा वचन सुना दूंगा। शैतान को सारे वचन पता है, वचन से ही तो यीशु से बात कर रहा था वो। हालेलुया। आप वचन से तो सुना, वो पूरी बाइबिल सुना देगा। तो बात तो ये है कि आपके अभिषेक के कारण आपके जुए टूटेंगे, आपका डर खत्म होगा, आपके अंदर से भय खत्म होगा, आपके अंदर बीमारी खत्म होगी, चाहे कोई सी भी महामारी है उससे आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा। बात यह है बशर्ते कि आप उस चीज को रिसीव करने के लिए हैं या नहीं है। आपको घात कर दिएगा परमेश्वर आपको घात नहीं होने देगा, आपके दिल तोड़ेगा आपने अच्छा किया लोगों के लिए। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप संसार के लिए जी रहे हैं, आप इसकी जरूरत पूरी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, मगर आज अपने लिए जी के देखिए, आज अपने लिए करिए, कुछ अपने लिए भी कर लो, कुछ अपने लिए कर लो, क्योंकि जहां तुम जाने वाले हो वहां कोई युक्ति काम नहीं आएगी। जहां एक व्यक्ति जाता है कोई युक्ति, जितने लोग मर गए कल कोरोना से मर गए उनकी सारी युक्तियां, उनका धन, उनका मन, उनका पैसा, उनके रिश्तेदार, कोई काम नहीं है, सब छोड़ के भाग गए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बुलावा देना चाहता हूं, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता, आ जाओ उसके पास आ जाओ। वो अभिषेक देना चाहता, वो आपको ऐसी चादर देना चाहता है एलीसा के समय, जब आपके ऊपर गिरेगी आप बदल जाओ, ट्रांसपेरेंट हो जाओगे। आपके अभिषेक के कारण आपके घर द्वार के सारे बंधन टूट जाएंगे। आपके कई घर ऐसे हैं जिनके घरों में टोटके कर दिए गए, आज वो दुख उठा रहे हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ, कह रहे कल एक भाई का फोन है, रो रहा था, क्या कह रहा, भाई साहब सब कुछ है, काम नहीं बनता, कई सालों से नौकरी नहीं है, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, खाना नहीं है। आज ये कंडीशन होगी, लोगों से मांग मांग करके खा रहे हैं। आने वाले समय में जब संकट बढ़ेगा तब इनका हाल क्या होगा, तब देने वाले भी अपने ही सोचेंगे, सब स्वार्थी हो जाएंगे। बाइबल में लिखा सब स्वार्थी हो जाएंगे। आज देख लीजिए,
आके निरोग पलायन कर रहे हैं। क्या उनके किसी एक मालिक ने कहा तुम मत जाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा? कहा क्या? नहीं, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, सबको अपना काम पसंद है। चाम पसंद नहीं, चाम का मतलब ये चमड़ी पसंद नहीं हमारी, हमारा काम पसंद है, हमारा चाम पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर भी कहता है वो तुम्हारे काम जो तुमने मसीह में किए वो बेकार नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु के लिए कुछ कर लो प्रभु के लिए कुछ, नहीं तो ये करेंसी जिसके लिए आप कह रहे करेंसी, जिसके लिए लोग लोगों को मार देते, आपको पता लगता है कोई बनिया जा रहा है उसके 2 लाख रुपए लूट लिए, आज तो लूट लिए, कल ये करेंसी होगी नहीं, कैशलेस हो जाएगा सब कुछ, और आप लेन देन नहीं कर सकते, आपके हाथ में चिप नहीं होगी तो आप लेन देन नहीं कर सकते, आप राशन नहीं खरीद सकते, आपकी लाइट काट दी जाएगी, आपका पानी बंद कर दिया जाएगा, पहले सारी जगह लाइट पानी फ्री कर दिया जाएगा। आज देख ले जितनी घोषणा हो रही है यही तो हो रही है, दिल्ली से शुरू हुआ, लाइट फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, एजुकेशन फ्री, सब फ्री हो गया, हालेलुया। मगर आप दूसरे नेता भी दूसरे जगहों में ये करें, ये पूरे हमारे पूरे वर्ल्ड में यही हो जाएगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, और जब फ्री की आदत पड़ जाएगी तब एकदम बंद कर देंगे और कहेंगे ये वाली चिप लगा लो तभी हम तुम्हें राशन देंगे, ये वाली चिप लगा लो तभी हम तुम्हें पानी देंगे, ये वाली चिप लगाओ तभी तुम्हें हम क्या करेंगे लाइट देंगे, नहीं तो मरो गर्मी में, सड़ो गर्मी में, इतना ब्लैकमेल हो जाएगा, अपने इमोशनल करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जिनको लगता है कि हमें बचना है, सोलर लगा लो घर पे, धूप को कोई बेच नहीं सकता, धूप को कोई खरीद नहीं सकता, अगर आपको लगता है कि मुझे इस प्रक्रिया से नहीं जाना, सोलर लगाओ, लगा लो, झंझट खत्म। आमेन। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग आशीषित हुए वचन से, सीखा है, जिन लोगों ने टीचिंग ली है वो शेयर करें दूसरों को, और बाइबल ये कहती है कि ऐसे लोगों को सौंप दे जो सिखाने के योग्य हैं, आप उन लोगों को भेजे जो जिनके अंदर प्यास है, जो अंदर लापरवाह उन्हें ना भेजे। अमेन। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और मैं दुआ करूंगा यदि आप में से कोई हैं जो वीडियो कॉल पे आएंगे, भाई हैं जो वीडियो कॉल कर रहे हैं और उनका कॉल लगा हुआ, अपनी कॉल चेक करिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपकी कोई भी परेशानी है आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुबह का समय बहुत ही तसल्ली वाला समय है, सुबह का समय आशीष वाला समय, सुबह के समय में मनन कर सकते बहुत अच्छे से, कोई टेंशन नहीं, कोई पी पा हॉर्न नहीं बज रहे हैं, कोई फोन के SMS नहीं आ रहे, कॉल नहीं आ रही है, कोई पत्नी नहीं चिल्ला रही है, बच्चे नहीं चिल्ला रहे हैं, पति पत्नी का नहीं चिल्ला रहा है, ये डिशुम डिशुम ये वो ऐसा नहीं है, दूध लेने जाना, नाश्ता लेने जाना, ये समय एक ऐसा समय कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, सुकून को पा सकते हैं, आप अपने दुखों को प्रभु को बता सकते हैं, आप उसकी सामर्थ को अपने जीवन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है ठंडे पैर में वो आदम से मिलता था, और आप भी आदम है, हालेलुया, आप भी आदम है, चाहे स्त्री है पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आदम से भी मिलता था, वो हवा से मिलता था, ठंडे पैर में मिलता था, ये ठंडा पैर है, परमेश्वर के मिलने का स्थान है, उसका समय, जब हम उसके समय में उसके आगे मिलेंगे, उसकी उपस्थिति में मिलेंगे, वो जरूर हमें मिलेगा। यदि हमने अपने समय नियुक्त किए हैं, जरूरी है कि आप अपने समय में होंगे, मगर परमेश्वर का वो समय नहीं, परमेश्वर वहां उपलब्ध नहीं होगा। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, अपनी प्रार्थनाओं को भेजना शुरू करे, अपनी प्रार्थनाओं को हमारे पास भेजना शुरू करें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हालेलुया। और जो व्यक्ति वीडियो कॉल पे आना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं, आपका कॉल का, कल भी कुछ लोग पूछ रहे थे हमें पार्षद जी का नंबर चाहिए, तो वो कॉल कॉल पे बात करनी थी जो सुबह चल रही थी, उन्हें बताया गया था आपकी फेसबुक जो आप देख रहे हैं उस पर ग्रीन कलर का एक लोगो है, अभी ग्रीन हो रहा होगा, जो 2 व्यक्ति दिख रहे हैं उसपे, उस आप क्लिक करेंगे कॉल आपकी लग जाएगी, हालेलुया। चंद्र कुमार, क्या पासवान है? PA लिखा है, मुझे लगता है आप पास्टर हैं, मैं बुखार के लिए दुआ करता हूँ, खांसी है उसके लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर आशीष करे, लगातार जुड़ जाइए हमारे साथ। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, मैं चंद्र कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी
और मधुर मीठे नाम से खुदावंद आज इस समय परमेश्वर बेटे तेरे दास को खुदावंद मैं आपकी उस धधकती आग के सम्मुख लाता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी रोनाल ये भर जावे पिता परमेश्वर, प्रभु रोनाल भर दे पिता परमेश्वर, प्रभु तड़ी आशीष इन्हों की जिंदगी च आ सकन पिता परमेश्वर। जेड़ी भी बीमारियां पिता परमेश्वर बुखार यीशु मसीह के नाम ते छड़ के चले जा प्रभु, थोड़ी आग लगे पिता परमेश्वर, थोड़ी आग ते इस नु भस्म कर दे पिता परमेश्वर। आप इसी समय मेरे भाई को चंगा करें प्रभु जी, खांसी और बुखार जो इस समय कोरोना की ये पहचान है सिम्टम्स है पिता परमेश्वर, सिम्टम्स को कोरोना की बीमारी को उसके इन्फेक्शन को यीशु मसीह के नाम से कहते हैं कि इनके जीवन को छोड़ छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इस समय आशीष दे अनुग्रह दे और यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, आमेन हालेलुया। अनीता डिसूजा मैं आपके बेटे के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू फादर पिता परमेश्वर, अनीता डिसूजा के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, इनके बेटे के लिए उन्हें जरूरत है खुदा इस समय परमेश्वर पिता, वो चाहते हैं उन्हें जॉब मिले, आपके आपके हाथ बड़े प्रभु जी और इन्हें जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन हालेलुया। स्तुति 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 रोजवेल जेम्स, मैं आपके हस्बैंड के लिए दुआ करूंगा, उनको कोरोना हो गया है, घबराए ना बिल्कुल भी, ध्यान रखें अगर बुखार, जितने लोगों को कोरोना हो गया उनमें एक हिदायत देना चाहता हूँ, अगर उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप फ्रिज का या ठंडा वैसे नॉर्मल पानी लेके रुमाल लेके उसे निचोड़ के उनके पट्टी बांधे, पट्टी लगाए बार बार, उनके टेम्परेचर को नॉर्मल रखे। आप हॉस्पिटल में क्या करते हो, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे जाते हैं, वहां एसी रूम होता है, उनके टेम्परेचर को कम रखा जाता है, उन्हें ऑक्सीजन इसलिए दी जाती सांस मिलती रहे, तो आप इस बात को ध्यान रखें टेम्परेचर ना बढ़ने दें। मैं दुआ करता हूँ आपके हस्बैंड के लिए हालेलुया, और कपिल 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 केविन जी मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, आपको कोरोना हो गया है आप घबराए ना, ढांढस बांधे, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप मरेंगे नहीं क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है, वचन में लिखा जो मेरी बातों को सुनेगा उसमें जीवन होगा, आमीन। मैं दुआ करता हूँ, थैंक यू फादर, स्तुति स्तुति के लिए प्रभु जी, इनके हस्बैंड के लिए प्रभु और कपिल केविन के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के सामर्थी जलाली नाम में खुदावंद इनके जीवन पर आपका कब्जा हो प्रभु हालेलुया। जो इनको कोरोना हो गया पिता परमेश्वर, कोरोना की सारी बुरी सामर्थ वो बंद भाई यीशु नासरी के सामर्थी 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 नाम में पिता परमेश्वर वो बीमारियां जाती रहे, वो रोग जाते रहे यीशु के नाम में, बुखार नॉर्मल हो जाए परमेश्वर, कोरोना की सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल हो जाए, बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। मैंने चंगा करने की घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आपका ब्लड इनके जीवन में आए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। कायशा जी हम आपके लिए दुआ करते हैं स्पेशल ग्रोथ के लिए, आपके फैमिली मेंबर के लिए हम दुआ करते हैं, थैंक यू फादर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि फैमिली मेंबर्स के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ बढ़े प्रभु, जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं इनकी बुलाहट को पहचाने, इनके ऊपर जो अभिषेक का वो झिलम डाला गया, आपके अभिषेक की जो चादर डाली गई प्रभु उससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए बदल जाए, और परमेश्वर पिता यीशु नासरी के नाम में पारदर्शी हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए प्रभु, इनका आत्मिक जीवन और बढ़ने पाए, अपनी बुलाहट को पहचाने को, इनका परिवार उद्धार पाए और तेरे नाम की महिमा के जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। ओ हम चंचल के लिए दुआ करते हैं, उनकी घर में जो क्लेश होता है यीशु नासरी के नाम में पिता परमेश्वर, वो क्लेश जो शैतान ने डाला है परमेश्वर, जो इस बहन को बुरे सपने दिखते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में, वो उसे मैं ब्रेक करता हूँ हालेलुया, मैं उसे कमांड करता हूँ, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस हालेलुया, एवरी योक को बोंडेज हालेलुया, लिखा तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे और तुम मुझे पालोगे हालेलुया। प्रभु जी आप इन्हें इसी समय अपने सामर्थ्य को दीजिए ताकि ये तुझे प्राप्त कर सके, तेरी महिमा करें हालेलुया, और पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह, दया कर अनुग्रह दे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन 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 हालेलुया। आशीष लाकड़ा जी हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, प्रेयर कीजिए मेरी फैमिली के लिए हालेलुया, जॉब के लिए बिजनेस के लिए हम दुआ करेंगे, जिनका बिजनेस कमजोर है जिनके पास फाइनेंस की कमी है
वो इसलिए भी आप बीज नहीं बोते, अपना टाइट बोना शुरू करें हर एक जन, ताकि आप फाइनेंस में आगे बढ़े। मैं दुआ करता हूं, आंखें बंद करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आशीष लाकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनकी फैमिली के लिए, इनकी जॉब के लिए, इनके बिजनेस के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यीशु नासरी के नाम में, हर एक बंधन टूटे, इनके जीवन से बंधवाई जाती रहे प्रभु, और खुदा आपकी तसल्ली, आपका धीरज इनकी जिंदगी में आ सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मीना पांडे जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आई एम वेरी सैड, हालेलुया। क्यों आप दुखी हैं? देखिए मीना पांडे जी, आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है, आप टेंशन में हैं, जॉब नहीं है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हालात परमेश्वर बदल देंगे, आमेन, अगर आप फेथ करती हैं। वचन में लिखा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, कहां? पहले अपनी लाइफ में, फिर अपने परिवार में, आमेन, हालेलुया। विश्वास करते, मैं दुआ करता हूँ, और आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आप चंगे हो रहे हैं, आज से ही आपका ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर ने आपके सारे सिस्टम को बनाया, वो छुएंगे आपको, आमेन। दुआ करते, थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, मीना पांडे के लिए प्रार्थना करते, रब शिखे तेरे लबा रिखंदर लबा जकारीली भी, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, यू टेक चार्ज राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रभु तेरी बेटी को इस समय शिफा दीजिए प्रभु जी, अपने ब्लड वाले हाथ से छू लीजिए, शिफा वाले हाथों से छू लीजिए, हालेलुया। ओ रिबा संदर लबा रबा 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 शखा तेरे लबा, हालेलुया। प्रभु इसकी बॉडी में जो ब्लड नहीं बनता है परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में चंगी हो जाए, ब्लड बनना शुरू हो जाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। ये टेंशन में है, दुखी है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके दुख की और कोई औषधि है ही नहीं है, बलसान की औषधि परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ यीशु के नाम में इनके जीवन में आने पाए वो औषधि जो परमेश्वर पिता तेरे वचन है खुदा, इन्हें अपना वचन भेज करके चंगा करे, हालेलुया, ये चंगी हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। रिसीव करिए, आप चंगे हो रहे हैं, चिंता ना करें, हालेलुया, प्रभु की महिमा होगी। गीता जी, गीता जी, गीता बेहरा, गीता बेहरा, हम आपके बेटे के लिए दुआ करने जा रहे हैं जिसका नाम रोहन है, और रोहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आंखों को बंद करिए। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम गीता के लिए दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पिता परमेश्वर गीता के लिए, उनके बेटे रोहन के लिए प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक उतरने दीजिए, हो जाने दीजिए परमेश्वर, वो बच्चा तेरे डील लोल में बढ़े प्रभु, हो जाने दे परमेश्वर, वो कल्पनाएं जो आपने इनके विषय में की है उनके जो भरपूरी से पूरी हो जाए, हो जाने दे पिता परमेश्वर, वो योजनाएं जो इन्होंने नहीं देखी है, न इनके चित्त में चढ़ी है, वो पूरा होते अपनी जिंदगी में देखे यीशु मसीह के नाम में, इन्हें बुद्धि मिले, फेवर मिले, अनकंडीशनल वो प्रेम मिले पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सिस्टर नीरू, हालेलुया, मंदोतिया, नीरू मंदोतिया, आपके जॉब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में पिता परमेश्वर, इस समय तेरी बेटी नीरू को आशीषित करते हैं, अभिषिक्त करता हूँ खुदा, तेरा दास होने के नाते मैं इसे रिलीज करता हूँ कि इनके जीवन में तेरी सामर्थ्य काम करे प्रभु, आपका आत्मा काम करे, रबा शेखे तेरे लबा रखा लबा जखारी लिबी रिखे तेरे लिबी, हालेलुया, प्रभु चंगी हो जाए, बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आशीष आए, हालेलुया, आमेन। अनिल भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पूरा परिवार परेशान है, हालेलुया, लेकिन गांव नहीं जा पा रहे, कहां पर हैं आप अभी, हालेलुया, घर जाना है, अच्छी बात है, मगर अनिल जी मैं कहना चाहता हूं, देखो उत्पत्ति का 26वां अध्याय पढ़िए, उत्पत्ति 26वां अध्याय पढ़िए, जहां जहां इजाक भागने की कोशिश कर रहा, कहीं और जाने की कोशिश, परमेश्वर कह रहे हैं यही रहे, मैं तुझे यहां से दूंगा, परमेश्वर ने साक्षी दी, मैं जो तब होया, हो सकता है डर लग रहा हो, संसारिक लोगों की तरह डर लग रहा हो, मगर आप वचन सुनते, आत्मिक है, डरिए मत, आपका पालन पोषण होगा, गांव भी जा पाएंगे,
उचित समय आने दीजिए, परमेश्वर भेजेंगे। मैं दुआ करता हूँ अनिल भाई के लिए, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपकी दया आपका अनुग्रह भरा हाथ इस समय यीशु के नाम में पिता परमेश्वर इनके ऊपर आए, और परमेश्वर घर जाने पाए पूरा परिवार जो परेशानी से जूझ रहा है, संकट है परमेश्वर, महासंकट आ गया प्रभु, संकट में जब इनका चैन छिन गया, इनकी शांति छिन गया प्रभु जी, अलौकिक शांति को रिलीज करिए प्रभु जी, परिवार आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सविता जैन के लिए हम दुआ करते हैं, हालेलुया। आपके पति के बिजनेस के लिए, सविता जैन के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर यीशु के नाम में, हालेलुया। रबा सेके तेरे रबरा खंदर लबा जी खंदर, उनके पति के बिजनेस को आप डेवलप करिए, जबकि बिजनेस घटते जा रहे हैं, जॉब घटती जा रही है और बेरोजगारी आ रही है, ऐसे समय में भी आपने कहा कि अगर तुम बारिश के अंत में बारिश मांगोगे, बरसात के अंत में बारिश मांगोगे, तो भी मैं तुम्हें दूंगा, परमेश्वर की योजनाएं पूरी हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवन जी आप कहते हैं हर समय बीमारी से घिरे रहते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं प्रभु को अपने ऊपर पहन लीजिए, आप बिल्कुल भर जाएंगे। महेंद्र शर्मा जी आपके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आपकी फैमिली के लिए जो प्रॉब्लम है वो भी जाएंगी। मैं दुआ करता हूँ महेंद्र जी आपके लिए और पवन जी आपके लिए, दोनों के लिए दुआ कर रहा हूँ, आंखें बंद करें। थैंक यू फादर, इस समय परमेश्वर पिता हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में, खुदामंद पवन भाई के लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम में, और परमेश्वर तेरी दया इनके ऊपर होने पाए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी। और पिता तेरे दूसरे बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनकी हेल्थ, इनकी वेल्थ, इनका परिवार, इनका फाइनेंस, इनके जीवन में जो किया सब कुछ पूरी में बदल यीशु नासरी के नाम में, हालेलुया हालेलुया। रब चंदर अलबा पवन को चंगा करें, बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पवन सीधे बैठो, क्या हुआ बताइए। हेलो पवन, क्या हुआ बेटा? सर मैं बराबर बीमार। आप अपना फेस ना घूमिए, लाइट की तरफ फेस करिए ताकि हम देख पाए, अपना चेहरा लाइट की तरफ घूम जाइए बैठ के बेटा। क्या हुआ आपको, हुआ क्या, आप बिस्तर में क्यों पड़े हैं? ये बराबर सर में दर्द रहता है, पेट पेट खराब रहता है, चक्कर आता है। आप कहाँ पर हैं? आप ऐसे ऐसे लग रहा है कि झुग्गी सी बना रखी है, मच्छरदानी है ना। मैं दुआ करता हूँ, अगर आपको कब से बीमारी है आपको ये? मुझे लगभग 2 साल से मैं परेशान हूँ। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर दवा दे रहे हैं पूरा, और पूरा घर बीमार है सर, बीबी भी बीमार रहती है, पूरा घर बीमार है। ओके जी, मैं दुआ करता हूँ आज से परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं, अगर आप विश्वास करेंगे। विश्वास ये है कि आपको प्रभु के साथ चलना, विश्वास ये है कि आपको प्रार्थना को रोज सुनना है और जो सुनाया जाता है उसे ऑब्जर्व करना अपनी जिंदगी में। ओके, मैं दुआ करता हूँ, अपने माथे का हाथ रखिए सीधा। मैं दुआ करता हूँ, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, पिता परमेश्वर बेटे को, इसके घर को, जो अपने घर में बीमार है, कोई भी जन ऐसा नहीं है कि जो बीमार ना हो प्रभु, पूरे घर पर संकट है, पूरे घर पर मृत्यु का साया लगा हुआ पिता परमेश्वर, दुष्टात्माएं जो उनके ऊपर भेजी गई है, जो मैं देख पा रहा हूँ परमेश्वर, वो दुष्टात्माएं जो उनके घर के विनाश करने के लिए भेजी गई, जो उनसे ईर्ष्या रखते हैं, वो सारी दुष्टात्माएं इनके जीवन को छोड़ के चले जाए इसी घड़ी। हालेलुया, टोटल डिलीवरेंस राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पवन क्या करना है, आंखें खोल दीजिए, हाथ हटा लीजिए, आप बिल्कुल चंके हो जाएं, चिंता ना करें। मंडे से लेके फ्राइडे तक, आज तो सैटरडे कल संडे, 2 दिन लाइन बंद रहती, मंडे से फ्राइडे तक लगातार आपको कॉल करना है, ओके, प्रार्थना करानी और लगातार वचन भी सुनना है। आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, मेरा विश्वास है कि बंधन टूट गए, कल से जो गवाही आएगी वो बेहतर आने वाली है, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और जो लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करें, मैं यहीं पर हूँ, चिंता ना करें, आप सभी की कॉल लूंगा मैं, और जिनकी कॉल अभी जुड़ रही है अपनी कॉल का ध्यान रखें, उसे पिक करना होगा वापस आपको, आपके दयाल। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सामने आए, फेस को सामने करें, कैमरा ठीक करें थोड़ा, मुझे आप नहीं दिख पा रहे हैं।
हेलो, हाँ जय जय मसीह की। मसीह की ब्रदर के लिए प्रेयर करनी है। बहुत प्रॉब्लम में पड़े हैं, 1 वर्ष हो गया परेशानी से झेल के। उनकी 1 वर्ष हो गया परेशान, क्या परेशानी चल रही है आपकी? परेशानी यो शैतानी शक्ति से प्रॉब्लम में बहुत पड़े हैं, उनको क्या सिवाय दिक्कत मिल है उनके गया। घर में? शैतानी शक्तियों ने घेरा का, दिक्कत है क्या हो रही घर में, ये बताओ थोड़ा। क्या दिक्कत क्या हो रही घर में, परेशानी क्या आ रही है? वो भाई ना, माय ब्रदर मारता पीटता है इस घर के लोगों को, और बहुत गाली देने लगता है। बहुत शैतानी ताकत से परेशान है। खाना भी उसका नहीं टिक रहा है, खाना भी खाता है सब, खाना खाते खाते हजम हो जाता है। खाते खाते ही हजम हो जाता है, यस, फिर और खाता, फिर और मांगता है। नहीं वो खाना तो मांग खाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा, तो वो बोलेगा भी कि मेरा खाना कहाँ जाता। तुरंत खाना खा के उठेगा और कुछ पता नहीं चलेगा, दिन भर ऐसे भूखे रहता है। फिर खाएगा, कुछ पता ही चलता नहीं, तो वो ऐसे 1 वर्ष हो गया परेशानी झेलते। आप उसके अंदर देखिए दुष्ट आत्मा बैठी है जो खाना खा जाती है, और उसके अंदर जो भी संकट है बहुत बड़ा संकट है, शैतान ने उसे जकड़ा यस, हुआ है। और उसका नाम बताओ, हम दुआ करते हैं। राम जगन प्रजापति है। जगन प्रजापति, यस दुआ करते हैं, आंखें बंद करिए। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता इस बहन के लिए, जगन प्रजापति के लिए दुआ करते हैं प्रभु। ऐसे दुष्ट आत्माओं से वो पीड़ित हो गया है प्रभु, उसके ऊपर जो जादू टोना है प्रभु, वो इस तरह का कि वो खाना खाता उसे पता ही नहीं लगता और फिर भी भूखा रहता है। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी शक्तियां इनके घर से चली जाए। आज बहुत सारे परिवार ऐसे दुख उठा रहे हैं जिनके घरों में जादू टोने कर दिए, टूट के कर दिए, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों को भी आपके सम्मुख लाता हूँ, इस बहन को आपके सम्मुख लाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बहन आजाद हो, इनका भाई आजाद हो, जो लड़ाइयां झगड़े मारकूट जो हो रही है, जो शैतान उनके अंदर फिट होकर इनके घर वालों को मारता है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी मैं उसे कमांड करता हूँ, डेवल तू छोड़, यीशु मसीह के नाम से उसे प्रभु यीशु के नाम से वो जाता रहे, उसे परमेश्वर की आग लगे, हालेलुया, रिलीज योर कंज्यूमिंग फायर, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप उस बेटे को स्वतंत्र करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। शिष्य जी लगातार प्रार्थना करना आपको करना है, वचन में बने रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और मंडे से लेके आपको कॉल करना है। ओके, आज तो भवन बंद है, और प्रभु आपका आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, आनंदित रहिए, चिंता ना करिए, हम दुआ करेंगे। अब आपकी प्रार्थना हमारे पास पहुंच गई है, ये हमारी जिम्मेदारी, हम दुआ करें, मगर आपका भी एक हिस्सा, आप कॉल करेंगे मंडे को। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड थैंक यू। ब्लेस यू। बड़ी अजीब घटनाएं हैं कि लोगों को रोटी खा रहे, मगर उनको उनको क्या खा रहा, उन्हें पता ही नहीं लग रहा है, दुष्ट आत्मा खाती जा रही, खाती जा रही। आप लोग बचे इन चीजों से, दुष्ट का प्रभाव बढ़ रहा है। वो जो सांप था जो अदन की वाटिका में था, वो अब अजगर बन गया, उसकी ताकत बढ़ा दी लोगों ने उसकी आराधना कर करके, हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं आप परमेश्वर की सामर्थ को पाइए। परमेश्वर सामर्थ एलिया के एलिसे के पास आई थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे चैलेंजों को स्वीकार किया और वो जयवंत हो गए उसमें, आमीन। अपनी प्रार्थना भेजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जिन जिन के लिए प्रार्थना रह गई है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ब्रदर जी जल्दी कॉल उठाइए, कॉल लगा हुआ आपका, जिनका कॉल लगा अपनी कॉल का ध्यान रखिए, और भी लोग लाइन में हैं, अगर नहीं उठाएं तो आप वहां से काट दीजिए ताकि हम दूसरे लोगों को कॉल ले सके, हालेलुया। और लोग भी बहुत लोग चाहते हैं कि फेस टू फेस दुआ करें जाए उनके लिए, हालेलुया। थैंक यू फादर, आशीषित हो जाओ रिंकू पाल, हालेलुया, आशीषित हो जाएं। जो लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, महेंद्र जी, महेंद्र शर्मा, आप जल्दी से अपना कॉल उठाओ, फटाफट कॉल उठाइए और आप जल्दी से आ जाइए, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की। की। क्या हाल चाल है आपके? जी फिलहाल ठीक है, लेकिन हाँ घर बस, में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सन 88 से मेरे घर में माँ का ऑपरेशन चालू हुआ, माँ 88 का से ऑपरेशन, हाँ सन 88 से, 88 थोड़ा से सा, माँ का एक चल। जी, तो आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए और जी कैमरा जी जी ठीक कर लीजिए ताकि आपके फेस को सब देख सकें। महेंद्र जी 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 आप खेत में हैं अभी? खेत में हैं? नहीं नहीं सर, मैं मलेशिया में हूँ अभी, मैं ड्यूटी में आया हूँ अभी, यहाँ पे 8:30 हो रहा है। जी जी 8:30 हो रहा है अभी।
और भी भाई मलेशिया से देख रहे हैं। हाँ जी आपने बताया तो सन 1988 से आप परेशानी में। नहीं हाँ जी, मैं मतलब मेरी माँ का ऑपरेशन 4 हुआ, बहन का हुआ, मेरा भाई का हुआ, मेरे भाई के बीवी का हुआ, और मेरे पापा जो कैंसर से अभी डेड कर चुके हैं 1.5 साल पहले, उनको भी कैंसर हुआ, उनके बड़े भाई थे उनको भी हार्ट अटैक से मतलब मौत हो, उनका भी ऑपरेशन हुआ, बीवी का हुआ, मेरे लड़के का हुआ। ये ऑपरेशन का दौर मतलब बंद नहीं हुआ, अभी तक चला, अभी भी मेरे पिताजी के जो सबसे बड़े भाई हैं वो अभी बीमार चल रहे हैं, और मेरी माँ का गले में मतलब छाले पड़, मेरा जैसे पिताजी को छाले पड़ जाते थे वैसे भी अभी छाले पड़ जाए, उनका पैर में मतलब घुटने में दर्द, शरीर में दर्द, मतलब वो भी परेशान रहती है, बीवी का भी सर्वाइकल है, थायराइड है, बच्चे भी बराबर हमारे परेशान रहते हैं, मैं भी मतलब कर्ज में, आपसे कल बात हुआ था, कर्ज में बराबर डूबा ही हूँ, ये दौर मेरा आप बहुत खराब मतलब चल रहा है। सुनिए सुनिए, पवित्र आत्मा ये बता रहे हैं। देखिए ये पीढ़ियों का श्राप है, पीढ़ियों के श्राप कई जी परिवार में होते हैं। आपने परिवार देखे होंगे, किसी किसी परिवार में स्त्रियां मर जाती है, वंश नहीं चलता, फिर कोई और आती है जी वो जी इंसान मर जाती है, आदमी आदमी रहते हैं। कुछ परिवारों में क्या जी होता है, जी बहनें विधवा हो जाती है, आदमी मर जाते हैं, बच्चों की शादी करते, बच्चा मर जाता है, बेटा मर जाता है, जैसे नहीं रहते, जी ऐसे में पीढ़ियों का श्राप है। एक का ऑपरेशन हो, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे का होते ही जा रहे हैं। और ये जी शैतान का प्रोग्राम है। शैतान के प्रोग्राम को हमें जी समझना होगा, हमें उस पर सही जगह वार करना होगा, और ये ब्रेक हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं जी है। अगर यीशु मसीह आ गया है, आप यीशु को पुकारें, जी प्रभु मुझे तेरी सहायता की जरूरत है, तेरे अभिषेक के कारण मेरे बंधन टूटेंगे, हालेलुया। यदि आप जी विश्वास जी करते हैं, आज से आप निडर हो जाओ, आज से आपके जीवन में वो बंधवाइयां नहीं रहेंगी। आज से परमेश्वर ये कहता है, जी यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे अभिषेक के कारण मेरा अभिषेक किया गया है कि मैं कैदियों को रिहाई दे दूं, मैं छुटकारा दे दूं उनको। वो आपके लिए आया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करिए, विश्वास से रिसीव करिए, और आज के बाद किसी का ऑपरेशन नहीं होगा। चंगे होंगे। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय महेंद्र के लिए। प्रभु जी, पिता तेरा बेटा है, प्रभु इतने सालों से, 88 से लेके इनके पिता से लेके इनके भाइयों से लेके और लोगों से लेकर के प्रभु सबके ऑपरेशन होते आए हैं। सब कोई कैंसर से मर गया, कोई ऑपरेशन से मर गया। प्रभु जी आज ये श्राप के बंधन आ गए, कर्जन के ऊपर हो गया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ओ दयालु परमेश्वर, दया कर, रहम कर खुदावंद, तो अपनी रहमत को इनके ऊपर बरसा दे। हालेलुया, ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु जी। हालेलुया, ओ बंधनों को तोड़ने वाला, और रिश्तों को जोड़ने वाला प्रभु यीशु मसीह, ब्लड को इनके ऊपर मैं रिलीज करता हूँ। रिलीज योर, ओ रिलीज योर पीस, हालेलुया, रिलीज योर विजडम, हालेलुया, और परमेश्वर ने आजादी दीजिए, हालेलुया, इनके जीवन में छुटकारे पर छुटकारे हैं प्रभु। ये कर्जे से बाहर आए, उस श्राप से बाहर आए, पीढ़ियों के श्राप से बाहर आए, पुरखाओं के जपात है उनसे बाहर आए पिता परमेश्वर, और ये उन अपराधों को जो परमेश्वर इन्होंने किए भी नहीं है प्रभु, तेरे वचन में लिखा कि तू वो परमेश्वर है जो पुरखाओं का हिसाब भी लेता है। परमेश्वर अगर पुरखाओं ने गलत किया और आज इन्होंने विश्वास किया, तो आज बंधन टूट रहे हैं, आज के बाद वो श्राप इनके आगे नहीं बढ़ेंगे, आज के बाद इनके ऊपर वो कर्जे का महामारी नहीं आएगी, आज के बाद ये सुधरते जाएंगे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ, जबकि मलेशिया में इस समय और मलेशिया में जहां जिस भूमि पर ये खड़े हैं, मैं तेरे दास होने के नाते इस भूमि को ब्लेस करता हूँ, उस भूमि पर आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इस प्रार्थना विनती को मानता हूँ, आमीन 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 आमीन। ओके, आमीन निश्चित हो जाओ, निश्चित हो जाओ। आपने कॉल किया था भवन में, नहीं किया जी। आपने कॉल किया था भवन में, नहीं, नहीं, नंबर नहीं मालूम है। नंबर अभी आ जाएगा। मैं चाहूंगा कोई भी नंबर भेज दे हमारा, 9582451810, उस पे व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि आप बाहर है, देश से बाहर है, आप व्हाट्सएप कॉल कर जी सकते हैं, वीडियो नहीं जी ऑडियो जी कॉल कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप जी कॉल पे ओके आइए, कॉल है वो, और आपके लिए जरूर दुआ होगी मंडे टू फ्राइडे निरंतर। जो बाहर है, विदेश से देख रहे हैं, सजाद भाई भी देख रहे हैं, वो भी मलेशिया में है, और भाई भी देख रहे हैं जो अलग अलग देशों में है, तो वो लोग अवेलेबल है हम उनके लिए व्हाट्सएप कॉल पर भी। ओके, गॉड ब्लेस यू, निश्चित हो जाइए, हम दुआ अमीन करेंगे, परमेश्वर में मन लगाइए, सारे बंधन टूट जाएंगे, आप जयवंत हो जाएंगे। अमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू, अमीन गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। बहुत अति है, बहुत ही अंधेरा गर्दी मच गई, शैतान ने लोगों को घात करता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको, शैतान रहम दिल नहीं है, शैतान रहम दिल नहीं, आपके ऊपर रहम
नहीं दिखाएगा, वो तरस नहीं दिखाएगा, वो घात करेगा तो करेगा। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10:10 में कहा कि वो चोर है, चोरी करने आता है, चोरी से आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर जी एक बात कहना जेम्स। चाहता हूँ, आप लोग तो आराम से लेट रहे, या तो हम तो ऐसे ही बैठे, हम भी लेट के प्रचार करें। थोड़ी देर पहले बोला था बैठ जाओ, आप बैठ नहीं सकते, बैठना चाहिए बेटा। आप अच्छे बच्चे हो प्रभु, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप सीखो अपने गो से, ये समझने क्या कहा, मुझसे सीखो। और आपको क्या सीखना है अभी ध्यान दीजिए मेरी तरफ, क्या सीखना, आपके अगुवे बैठे तैयार होके, आपको भी तैयार होके बैठना। जी आमीन, पास्टर। हालेलुया। आमीन। बताइए सूर्यकांत जी, हालेलुया। बताइए बताइए। जी सिस्टर निकिता। सैमुएल। जय मसीह की मिनी का मैन सैमुएल, यहाँ पे आए, देखो देखो वहाँ देखो, तो वो सैमुएल तो उठ के बोलता था हाँ जी सर, ये सैमुएल तो बोल नहीं रहा। हालेलुया, बताइए बताइए क्या प्रार्थना करनी है। बोलिए बोलिए अभी बताइए, और भी लोग हैं लाइन में, जल्दी से पास्टर जी बताइए। किसका प्रार्थना करते हैं। जी का तबीयत खराब रहता है हमेशा, तबीयत खराब रहता है, मेनिका जी का। मेनिका जी का। डॉक्टर पे भरोसा बंद करके परमेश्वर पे करो और आप बिल्कुल ठीक हो जी जाओगे। जो डॉक्टर के पास जी बीज बोना वो खुदा के भवन में बो, आप बिल्कुल चंगे रह जाएंगे। अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए। मैं दुआ करता हूँ, मेनिका आंखें बंद करो। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर मीठे नाम से, पिता मेनिका के लिए, सैमुएल बेटे के लिए जो ने वाचा का बेटा मिला उस संदेश में, जब ये आए थे प्रभु इनको बेटा दिया आपने, सूर्यकांत को बेटा दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करूं इन आशीष दे, अनुग्रह दे और तेरे नाम से बिल्कुल हील हो जाए, बी हील इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया प्रभु, सारे रोग इनके घर को छोड़ के चले जाए प्रभु, और ये तुझमें बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। तेची हम आपके जेम्स लिए जी दुआ करेंगे, तेची जी आपके लिए दुआ करेंगे, आपको प्रॉब्लम है दोबारा से भेजिए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट है। आप सक्सेसफुल होने के लिए दुआ चाहते हैं। हालेलुया, आपके किडनी ट्रांसप्लांट होने की सर्जरी है, ऑपरेशन है। हालेलुया, पहली बात मैं दुआ करूंगा, आप अरुणाचल से, पहली बात मैं दुआ करूंगा कि आपकी किडनी का जो ऑपरेशन हो आप ऐसे ही चंगे हो जाएं। हालेलुया, मैं दुआ करता हूं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पिता इस बहन की किडनियों में जितने भी रोग हैं परमेश्वर आपका वायदा है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, रब शंदर लब हालेलुया, रब शंदर लब हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया परमेश्वर, आप वो कहने वाले परमेश्वर के, मैं तुझे चंगा करूंगा, आप ही हैं। हालेलुया, तन्हाइयों में भी कहने वाला के साथ हूं मैं, कहने वाला यीशु था। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें इसी समय इनकी किडनियों को छुए, चंगा करें, रिफ्रेश करें, नया करें पिता परमेश्वर, और इनका ऑपरेशन कैंसिल हो परमेश्वर, ये बिल्कुल चंगे हो जाए, बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इनके जीवन में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपना लहू इनके ऊपर लगाइए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लॉर्ड ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। राम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल असी बिल्कुल ठीक है, तुसी सुनाओ जी। सब कह रहे थे खुदा दा शुक्र है, जिन्ना भी धन्यवाद कर लो उन्ना ही थोड़ा है। बिल्कुल अच्छी बात है, इस समय तो और ज्यादा धन्यवाद करना, क्योंकि यीशु मसीह ने दसिया, यीशु मसीह ने आख्या कि जदों तुसी उस दिन नू नजदीक आने देखते हो तो तुसी धन्यवाद और ज्यादा करना है। जी पास्टर जी, आज का मैं देख रहा इस वीक में थोड़ा सा मेरे साथ एक मसला हो रहा है। एक बहन आई थी, हिंदू थी, वो मेरे पास आई थी, तो वो मुझे बताती, मैंने कहा आप किसको मानते हो? उसने बोला मैं गणेश को मानती हूँ, उनका जो गॉड है। जैसे मैंने उसके साथ उसके ऊपर प्रार्थना की, तो मैं जो है देखता हूँ, मैं जब दुआ अपना प्रार्थना में बैठता हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 घंटे सुबह को और शाम को बैठता हूँ, तो मेरा ध्यान जो है, यानी कि मैं इधर हूँ आपके इंडिया में चला जाता हूँ, ध्यान बाइबल पढ़ रहा होता हूँ, पाकिस्तान में चला जाता हूँ और लोगों पे चला जाता हूँ, ऐसे हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज मेरे लिए जरा प्रार्थना करें एकदम, ये क्या मसला हो गया? मैं 2-3 दिन से बड़ा परेशान हूँ, सर जो है भारीपन है। देखिए मेरे पास सुनिए, जब आप युद्ध लड़ते हैं ना,
युद्ध लड़ने वाले मूसा, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, यहोशू की पुस्तक, यहोशू जो पुस्तक जी है गुरु पुराने नियम में, उसमें क्या था, यहोशू युद्ध लड़ रहा था मगर फिर भी वो हार जी रहा था। क्यों हार रहा था? क्योंकि उसे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं थी। ठीक है जब आप किसी के लिए दुआ करते, कोई दुष्ट आत्मा के लिए दुआ करते, तो वो दुष्ट आत्मा आपको अटैक करने की कोशिश करेगी, इसलिए जरूरी है कि आपके पीछे भी किसी के सपोर्ट हो, प्रार्थना की। आमेन। वो बहन जी पूरी तरह आमिर ठीक हो जाएगी, आपके लिए दुआ करता हूँ, आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं जी स्वर्गीय पिता प्रभु मसीह के नाम से, इस समय तेरे बेटे सजाद को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ आपने इन्हें चुना है, चाहे बहन कोई भी है, किसी भी धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो तेरी बेटी है, वो उद्धार पाए, और पिता जब से परेशानी में है वो डेवल की दुष्ट आत्माएं छोड़ के चले जाए, जी हालेलुया, इनके इर्द-गिर्द फटके ना, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो रफू चक्कर हो जाए, जाती रहे, वो जले और भस्म हो जाए, राख बने, और भूसी बनने के द्वारा वो वीराने में चले जाए। प्रभु यीशु मसीह इन्हें चंगा करें, इन्हें अच्छी हेल्थ दे, अच्छी वेल्थ दे, और आत्मा का अभिषेक दीजिए प्रभु, क्योंकि वो आत्मा का अभिषेक पाके जैसे एलिशा जो है बड़े बड़े मिरेकल करने लगा, उसके अगुवे ने उसके ऊपर चादर रखी थी, उसके अगुवे ने उसका अभिषेक किया था, वो अगुवे के साथ साथ चलता रहा था, वो अगुवे के साथ साथ अपनी मेहनत करता रहा, अगुवे की बात को सुनता रहा, अगुवे को कभी उसने छोड़ा नहीं है, अगुवे की बात मानी है, उसने जो फोकस दिया है उस पर बना रहा प्रभु। ऐसे तेरे बेटा भी विश्वासी होकर, धर्मी होकर के, आशीषित होकर के आगे बढ़े प्रभु, और अपने अगुओं से जुड़े रहे, तेरे नाम की महिमा करें, और मैं दुआ करता हूँ आप आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको ब्लेस करे। अब मैं बात करता हूँ तो एक समा सा बन जाता है, और मेरा वो जो वीक होती है, वो दिन जो होते हैं जब तक दोबारा काल नहीं होती, इतने खुशगवार गुजरते हैं कि मैं सोच नहीं सकता। आप चिंता ना करें, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल आपके लिए अवेलेबल है। ओके ब्रदर जी, मंडे टू फ्राइडे, गॉड ब्लेस यू, ओके गॉड ओके, थैंक ब्लेस यू, यू। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। ओके, हालेलुया, परमेश्वर ब्लेस करे आप सभी को, परमेश्वर ब्लेस करे। हैं दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत है, शैतान ने लोगों के घरों को घेर रखा। मिस्र में सारे घर घिरे हुए थे, मृत्यु से घिरे हुए थे, आज भी मृत्यु से घिरे हुए हैं। आज गली में आप जा नहीं सकते, डर है कहीं कोरोना ना लग जाए, कोरोना लग गया मर ना जाए। मरने के लिए आपके पास पर्याप्त धन है, शायद हो सकता है आपके लिए कुछ है कि आप बचने की कोशिश करेंगे, मगर धन से कोई लाभ नहीं होता। आज जो मर गए उनके पास भी धन था, उनके पास भी गाड़ी थी, उनके पास भी घोड़े थे, उनके पास भी रिश्तेदार थे, उनके पास भी अपनी योजनाएं थी, उनके पास भी सब कुछ था। और जब मौत आती है, जब कोरोना आया, महामारी आई, वो किसी का धर्म देख के नहीं आएगी, किसी का समुदाय देख के नहीं आएगी, किसी की भाषा देख के नहीं आएगी, किसी के बड़े और अच्छे होने को देख के नहीं आएगी, वो किसी पर भी आ सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु के भय में बने रहें, उसके आदर को करते रहें, सम्मान में बने, जो हो सकता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ आपको, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपने शायद किसी पड़ोसी के लिए बहुत बड़े काम कर दिए होंगे, हो सकता है आपने पापा को बड़ी चीजें दिलवा दी, हो सकता है आपके पापा ने आपके लिए अपना घर लुटा दिया हो सकता है आपने जमीन अपने पूर आ गया, अपने अपने जीवन में और कुछ बेहतर कर पाए हो, और आप इस समय आपके आपके खुद के लिए कुछ भी नहीं हुआ, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आज अपने लिए समय निकाले, अपने लिए जी, अपने लिए कुछ करें, ऐसा कुछ करें कि खुदा आपको अपने सीमानों में ले सके, अपने घर में ले सके। नहीं तो मृत्यु के बाद किसी को नहीं पता कहाँ जाएगा, वो डेड बॉडी नहीं जानती वो कहाँ जाएगा, वो जो आत्मा निकलेगी वो नहीं जानता कहाँ, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि परमेश्वर से अपने सीमानों में ले ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लिए करें, क्या करना है कि जब मैं मरूंगा मैं कहाँ जाऊंगा, यदि मैं आज मर जाता हूँ, यदि ऐसा हो ना, पहली तो बात परमेश्वर ऐसा ना करे, अगर कोरोना लग गया और मर गए तो कहाँ जाएंगे हम, या हम उससे बच गए और फिर डेवल की चिप लगा दी गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, यदि परमेश्वर से हम अलग कर दिए गए तो कहाँ जाएंगे। हमें विचार करना है, क्या हमारा भोजन हमेशा का है, क्या ये धरती हमारी सदा काल के लिए है, क्या हमारे पास जो सैलरी है क्या हमेशा वो नौकरी हमेशा बनी रहेगी, क्या हमारे बिजनेस हमेशा बने रहेंगे, क्या हमारे पापा हमारे साथ हमेशा रहेंगे, क्या हमारे बच्चे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, या फिर हम बच्चों को कभी छोड़ के ही नहीं जाएंगे, या हमने अमृत जल चख लिया है, अमृत चख लिया कि हम मरेंगे ही नहीं है, जो अमृत चख गए वो भी मर जाएंगे, हालेलुया, जो कहते हैं अमृत चखा वो भी मरना है, अगर अमृत चखा तो मरना नहीं, फिर तो अमर हो जाते हैं। और परमेश्वर कहता वो फल तो स्वर्ग में मिलेगा, उसमें से आपको खाने को मिलेगा जब आप, क्योंकि मृत्यु का अंत हो जाएगा,
कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर के बने रहेंगे। यदि और कोई है जो वीडियो कॉल पे आना चाहता है, आ सकते हो, थोड़ा सा समय हो रहा है मेरे पास 10 मिनट का, और मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा, आपके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने उस अभिषेक को पहचानिए जो आपका किया गया था। जब आपको अभिषेक मिला, आपको जो तोड़े मिले उन्हें इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपको आपको लगता है कि मेरा ये अभिषेक नहीं है, मगर परमेश्वर को लगता है वही आपका अभिषेक है। अगुओं को लगता है वही आपका अभिषेक है, मगर आप ही को लगता है मेरा नहीं है। वो कैसे होगा? एक धनी व्यक्ति था, उसके पास धन था, उसे भोजन खिलाने का अभिषेक था, मगर उसने लाजर को कभी भोजन नहीं खिलाया। उसे लगता था ये मेरा काम है नहीं। आपको साथ बहुत धन दिया, और आपको बीज बोने का अभिषेक है, आपको भवन के साथ सज्जा का काम दिया, आपके पास बहुत सारा धन परमेश्वर ने इसलिए दे दिया, इसलिए आपके बड़े मिरेकल कर दिए कि आप खुदा के लिए करें, मगर आपको लगता है नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मगर खुदा को लगता है वो आप ही का काम है। मेरा काम मुझे दिया गया, आपका काम आपको दिया गया, टैलेंट दिए गए, तोड़े दिए गए। इसलिए हमें क्या करना, अगर हम इन चीजों में उलझ रहे हैं तो हमें पवित्र आत्मा से मांगना, प्रभु मुझे दिखा मेरा टैलेंट क्या है, मुझे बता मेरा अभिषेक क्या है, मुझे बता मैं क्या करूं, मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। आप थोड़ा थोड़ा बो के भी, दमड़ी दमड़ी बो के भी प्रभु महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी, मैं आपको नहीं मैं देख रहा, सारे आपके मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आपके पीछे जो लाइट जल रही है उसे देख पा रहा हूँ। आपका फेस लाइट की तरफ घुमाइए, अपना फेस लाइट की तरफ घुमाइए। जी ठीक है अभी। हाँ हाँ अभी ठीक है, पीछे बल्ब जल रहा है ना शायद, या खिड़की है कुछ ऐसा है, आप उधर मुंह कर मैं लेंगे तो साफ दिखेगा। सागरिका देवनाथ, ये सांगरिका देवनाथ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। हाँ वेस्ट बंगाल से। आपकी बेटी भी उठी हुई है? अरे वाह, हाँ हाँ बच्चे कहाँ है बेटा, ऊपर दिखो। अरे हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अच्छी कैसे हैं? हूँ परमेश्वर बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्हें बोला, जी। वो भी मेरी माता पिता से बोला बेटी बच्चों। भी प्रे जी बताइए। जी, आप प्रे कीजिए कि मेरा बेटी अभी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, अभी तो मन नहीं लग रहा है उसका तो। वो अच्छी हो जाएगी, मुझे उससे बात करने दीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शिवू श्री देवनाथ। शिबू श्री देवनाथ। शिबू, परमेश्वर ने जब जो लोग यीशु मसीह के पास आते थे, तो यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा था, मैं बताना चाहता हूँ। लोगों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, आमीन, बच्चों को मेरे पास लेके आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उन्हीं के जैसों का है, जो बच्चों की तरह अपने मन को क्लीन रखते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं हर बातों को, है ना। तो परमेश्वर बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उन बड़ों से भी करता है जो बच्चों की तरह अपने मन को नम्र और दीन करते हैं। शिबू मैं दुआ करता हूँ, आप आंखों को बंद करें, और सांगरी का आप भी आंखें बंद करें, मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू फादर, पिता, आज मैं प्रार्थना करता हूँ सांगरी का देवनाथ के लिए, शिबू के लिए, परमेश्वर की बेटी के लिए, प्रभु बुद्धि से परिपूर्ण करे, वो विजडम जो खुदा है वो दीजिए प्रभु। इस समय से जब चेलों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया, लो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे, तो अब समझो, तुम्हें राज्य की समझ दी गई। प्रभु मैं प्रार्थना करूं कि बुद्धि दीजिए इस बच्चे को, ये पढ़ाई में आगे बढ़े और तेरे नाम की महिमा करे प्रभु। और सांगरिका को भी परमेश्वर पिता, जो निरंतर हमेशा भवन में बीज बोती रहती है प्रभु, पिता परमेश्वर ने तूने चंगा किया है, इनके गले को चंगा किया है, इनके परिवार को समृद्धि दी है, सामर्थ्य दी है प्रभु। मैं प्रार्थना, बोया हुआ 100 गुना वापस इन्हें मिलने पाया, 1000 गुना मिले पिता परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करे, अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आमीन गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, निरंतर बने रहे, जय मसीह। जी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राकेश कुमार जी हैं कोई, अपनी उसको देखिए कॉल को, ये स्टिकर ना भेजे कोई भी, ये स्टिकर ना भेजिए, खेल क्रिकेट नहीं हो रहा, ये कार्ड नहीं खेल रहे हम यहाँ। जय मसीह की सिस्टर जी, जय जय मसीह, मसीह की। मुझे लगता है मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। हाँ पास्टर जी, हाँ 15 दिन पास्टर जी, हो हाँ गए। जी, हाँ हाँ जी बताइए पास्टर कैसे जी, हैं। ठीक हाँ ऐसे बोल हूँ अभी। अभी बोल, परमेश्वर में तहजीब सिखाता है, परमेश्वर में आदर सिखाता है, आमीन। कितना अच्छा परमेश्वर, हमसे तो कुछ आता ही नहीं था,
बताइए। पास्टर जी अभी थोड़ा बहुत काम में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई। पहले तो ठीक ठाक चल रहा था गैप दे दे के, और अब तो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा, और पैसों की बहुत ज्यादा तंगी हो रही है अभी तो। अच्छा, कोई नहीं, उन तंगी पे हंसी है यीशु मसीह के नाम से। उन्हें शर्मिंदा कर दे के हम फिर भी हंस रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। परमेश्वर का झरोखा खुलेगा, परमेश्वर झरोखा खुलेगा। मैं दुआ करता हूँ, आंखें बंद करो। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी बेटी के लिए खुदा, इनके पति के लिए जिनका काम है खुदा, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ वो झरोखा खोल दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है मैं आसमान के झरोखे खोल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। परमेश्वर आपने कहा जो तुम खोलोगे खुल जाएगा, मैं तेरे दास होने के नाते इनकी ब्लेसिंग को खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आज इसी समय इनके काम का इंतजाम हो, और कहीं से भी इनके पास फोन आने पाए, खबर आने पाए कि काम तुम्हें मिल रहा है, और इनके घर में जीवन रोटी चल सके, आनंद से भर जाए, गवाही के साथ वापस आए परमेश्वर, आप इन्हें करने जा रहे, देने जा रहे पिता परमेश्वर, भलाई ही को उत्पन्न करने वाली बातें, चाहे कठिनाई की है चाहे कुछ भी है, आपका कलाम क्या था, सारी बातें मिलके आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। आशीषित हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। आने वाला है, चिंता ना करें। आमीन, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। शेयरिंग करिए सभी लोग, शेयरिंग कर दीजिए, और शेयरिंग करिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, बहनों को, और जितने भी लोग हैं उन्हें आप शेयरिंग करिए, और परमेश्वर के नाम की महिमा करिए। सबसे बड़ी चीज है बीज बोना। बीज बोना बड़ी चीज है, जो बीज बोता है वो काटता है, जो नहीं बोता वो खड़ा रहता है, जो नहीं बोता वो पड़ा रहता है, ऐसे आलस में पड़ा रहता है, वो किलस्ता रहता है, दुखी रहता है, डिप्रेशन में रहता है, टेंशन में रहता है। हालेलुया। एक प्रोमिता, प्रोमिता सरकार आपके लिए दुआ करते हैं इस समय। हालेलुया। आपकी मदर के लिए, हालेलुया, आपकी मदर के लिए दुआ करते हैं, आपके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर, बहन सरकार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे नाम से, पिता इनके परिवार में इनके हस्बैंड को आशीषित करे, और परमेश्वर हर एक भय से, जब संसार भय के समय से गुजर रहा है प्रभु जी, कठिन समय से गुजर रहा है प्रभु, कठिन दौर से, इस महामारी के समय कोई महामारी इनके घर में ना आए, इनके बच्चे, इनके परिवार, इनके पति, हस्बैंड, माता पिता, इनके दादा दादी, नाती पोते जो भी है खुदावंद यीशु मसीह, इनके रिश्तेदार, रिलेटिव, सब यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, उनके जीवन में आपका अनुग्रह बसने पाए पिता परमेश्वर, खुदा तेरे नाम की महिमा होने पाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तैयारी करें अपनी, जय मसीह की। शिष्य जी, जय मसीह की। मैं गीता बोल रही हूँ। मुझे आज अपनी बहन के लिए, हाँ जी, आज मुझे अपनी बहन के लिए प्रे करवाना था। वो एक्चुअली कल से फोन कर रहा है, उससे उसको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ। आप अपने अपने तो हाँ यही करें, कैमरे को हिलाइए मत, यही रहिए। गीता कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं अपनी बहन, जी मुझे कहाँ अपनी से दीदी बात के कर रहे लिए हैं? प्रे करवाना था। हाँ, प्रे वो करेंगे? दिल्ली मेरी में आवाज आ रही रहते है हैं। आपको? दिल्ली से बात कर रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं। आप मैं दिल्ली में? गुड़गांव में रहती हूँ, मेरी दीदी दिल्ली में रहते हैं। ओके, अपने फोन को हिलाइए मत, हिलाइए मत, अपने फोन को मत हिलाओ, आराम से रखिए, और मैं दुआ करता हूँ। मुझे आपके फेस को देख के लग रहा है कि आप बहुत दर्द से भरी हुई हैं। क्या हो गया? मैं कल भी फोन किया था। रोहन की मम्मी बोल रही हूँ मैं। कल मैंने रोहन के लिए करवाया था, आज मुझे अपनी बहन के लिए करवाना था, क्योंकि वो कॉल करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है जो कैसे करे। देखिए, जैसे आपने कॉल किया अभी मुझे, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही कॉल कर लें अगर वो लाइव है तो, ठीक है ना? उनको नहीं पर समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, पर आपको कुछ लग रहा है, मुझे कुछ चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? हाँ, वो मेरी बहन परेशान रहते हैं ज्यादा, मम्मी पापा के लिए, उनकी बेटी के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके उनके हस्बैंड तरफ से। हाँ, की कोई प्रॉब्लम है क्या? उनके हस्बैंड का बहुत दिक्कत है, वो अपने हस्बैंड को लेके बहुत प्रॉब्लम है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ चीजें चल रही है आपके दिमाग में, और पवित्र जी, आत्मा हाँ मुझे जी बता रहा है चीजें हैं जिसे लेके आप बहुत चिंतित हैं। जी मेरी छोटी बहन भी है, उसके लिए भी हूँ, और ये मेरी ये दीदी भी है, बड़ी है मुझसे, उनके लिए भी हूँ। तो देखिए गीता, जितना बोझ आप उठा के खड़े ना, वो यीशु मसीह के ऊपर डाल दीजिए, फ्री हो जी जाइए,
और जब तक आप अपने ऊपर रखेंगे वो बोझ हटाया नहीं जाएगा। मैं दुआ करता हूँ, आपकी बहन का नाम बताओ। मेरी बहन के नाम रीता है, रीता मन्ना। और दूसरी, हाँ जी, और दूसरी के नाम है काकोली मानना। काकोली जी, अनीता के लिए, मन्नत के लिए, काकोली के लिए दुआ करते हैं। आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता रीता बहन के लिए और मन्नत के लिए, परमेश्वर काकोली के लिए। खुदा पिता परमेश्वर, ये बहन बहुत चिंतित है अपने उस परिवार को लेकर के प्रभु, और ये एक अच्छी भी बात है कि हम अपने अपनों की चिंता करते हैं प्रभु। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपनों की भी चिंता नहीं करते, विश्वास से भटक गए हैं प्रभु। इस समय से हम प्रार्थना करते हैं कि बहन के हस्बैंड के बीच में जो गड़बड़ी है प्रभु जी, उनके परिवार जो टूटने के कगार पे, जो उनके अंदरूनी रिश्तों में दरारें हैं, जो उनके अंदरूनी हिस्सों में परमेश्वर प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसमें रोटी तो है मगर चैन नहीं है, घर में पैसा तो है मगर चैन नहीं है, घर में सब लोग दिखते हैं मगर खुशी नहीं। खुदा वो खुशी जो छिन गई है वो वापस लौट आए, वो परमेश्वर वो शांति जो चली गई वो वापस लौट आए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते, मैं इस समय रीता को, काकोली को, मन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ यीशु के नाम। बंधन टूटे 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 इसी घड़ी टूटे। आई ब्रेक यू, मैं तुम्हें तोड़ता हूँ। रिलीज योर फायर। हालेलुया, रिलीज योर कंज्यूमिंग फायर प्रभु। आपकी भस्म करने वाले रिलीज हो जाए प्रभु जी उनके जीवन में से। हालेलुया, वो दूर चली जाए सारी बातें। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है कि कोई तीसरा है जो उनके बीच में आग लगा रहा है, कोई तीसरा, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कोई तीसरे ने उनके बीच में कानाफूसी करी हुई है, और वो चीजें जो घर में चल रही हैं वो किसी और के कारण, इनके अपने कारण नहीं। परमेश्वर इन्हें बुद्धि दे के समझ सके। हालेलुया, पिता परमेश्वर ने बुद्धि से आशीष करे ताकि तेरा धन्यवाद कर सके। गीता बहन को आशीष करे, अपने आशीर्वाद से इन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा इनके जन्म ये देखे अपनी आंखों से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अगर ये ऐसी कॉल नहीं कर पाते तो उन्हें बोलिए नॉर्मल कॉल करें। हाँ मैं कर रही हूँ, पर वो थोड़ा सा डरता है जो मैं कैसे फोन करूँ। वो पहले पहले बार कर रहा है, जैसे मैं पहले पहले रोहन के लिए करती थी तो मुझे घबराहट होते थे। नॉर्मल सी बात, हाँ, आप उनको बात करें, आप उनको बोले होल्ड रखे और इधर कॉन्फ्रेंस कर दे भवन में, फिर वो बात कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके, जय मसीह, जय मसीह, आपको हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष करे। घरों में बहुत सारी दिक्कतें हैं, हो सकता है आप भी ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं। संजना त्यागी, परमेश्वर आपको संजना त्यागी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, संजना त्यागी कुछ चीजें हैं जो आप चाह रहे हैं। मैं आपको आपके बाद बाद में आता हूँ भाई, पहले ब्रदर जी प्रेजलो। जेम्स की बात जी, कल से मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। जो जलन था, जलन में बहुत दिक्कत होती थी, वो बहुत आराम हुआ, बहुत रिलैक्स मिला हमको। हालेलुया, बहुत आराम मिल गया मुझको। जो घबराहट रहती थी, घबराहट भी कम हुआ, बहुत रिलैक्स मिला। आज रात को मैं सोया भी हूँ ठीक से। और ये जी, कितने दिन से सही नहीं सोए थे आप? 3 साल हो गया, 3 साल के मतलब रिलैक्स सोया नहीं, नींद की गोली खाता हूँ, जैसे कि नींद की दवा लेता था और लिया कल लिया, लेकिन मतलब कि जैसे मैं सोता नहीं था, मैं बहुत अच्छी तरह सोया। वो 4 बजे नींद खुली, 4 बजे अलार्म लगा था, 4 बजे मेरी नींद खुल गई। फिर मैं तैयार हुआ, नहाया धोया और आपका लाइव चल ही रहा था, उसमें मैं नहाया धोया और फिर ड्यूटी पर आ गया 5 बजे। और कल से मुझे बहुत रिलैक्स हुआ, बहुत रिलैक्स हुआ। तेल भी प्रार्थना करवाया था तो उसको भी लगाया, तो जो मतलब कि टाइटपन रहता था हाथों में वो नरम हुआ, जैसे कि ये पीछे रीढ़ के मतलब कि जो बैक पेन था वो बहुत कम हो गया। जी सर, आप क्या जॉब करते हैं? मैं पुलिस में हूँ, पुलिस में हूँ। तो साउंड सुन रहे ना, जैसे पुलिस स्टेशन में चलता है। परमेश्वर आपको जी, आपको
बता रहा हूँ 3 महीने के लिए आपने कॉल किया था बॉम्बे में, शायद मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था। तो मैंने में आप वापस गवाही के साथ पक्का डेफिनेटली आ रहे हैं, और अब आपको आज मैं बता रहा हूँ कि अब आपको मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा। दवाई जो लेने की गोली लेते हैं आज से वो छूट जाएगी, आपसे वो छूट रही है, और आप एक बड़े परमेश्वर के योजना के तहत उसमें शामिल हो रहे हैं। आमीन। मैं दुआ करता हूँ, आंखें बंद करिए, प्रार्थना में जाएंगे, आंखें बंद कीजिए। थैंक यू फादर, पिता मैं तेरे बेटों को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, जबकि पुलिस में है खुदा और हर एक अधिकार इनके पास है खुदा, मगर पिता परमेश्वर कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आप ही के पास है परमेश्वर पिता। अधिकार होने के बावजूद भी हमें स्वर्गीय अधिकारों की आवश्यकता, स्वर्गीय आशीषों की ब्लेसिंगों की आवश्यकता है भाई, पुलिस फोर्स में मगर परमेश्वर आत्मिक जीवन में ये होपलेस है, सहायता नहीं है इनके पास, मगर खुदा आज आप इनके पास पहुंचे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, वो दास क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि मेरे पास अधिकार है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं किसी को कहता हूं आ तो आते हैं, जा तो जाता हूं, मगर प्रभु तो यहीं से कह दे मेरा दास करना हो जाएगा। प्रभु आज वो अधिकार इनके पास भी, मगर खुदा आज आपका हाथ बढ़े, मेरे भाई सी घड़ी चंगा हो जाए, हमेशा के लिए चंगे हो जाए, और खुदा तेरे पास इसी समय खुदा तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में आती है। मैं इनके पुलिस स्टेशन को, पूरे पुलिस स्टेशन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं दुआ करता हूँ इनकी जॉब के लिए, मैं दुआ करता हूँ इनके पुलिस के, इनके साथ काम करने वाले भाइयों के लिए, इनके परिवारों के लिए, सबके लिए, जबकि ऐसी स्थिति में कोरोना में बाहर ड्यूटी करते हैं, सारे पुलिस वालों के लिए, अपनी फोर्स के लिए दुआ करते हैं प्रभु, पूरे स्टेशन के लिए दुआ करते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए, सारों के परिवार सुरक्षित रहे, किसी को कोरोना छूने न पाए, सारे भाई बचे रहे पिता परमेश्वर, मैं सबको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन। आपका थाना भी आशीषित हो गया, आपका पुलिस स्टेशन आशीषित हो गया, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हर एक से प्यार करता है, वो किसी पक्षपात नहीं करता, चाहे कोई भी क्यों ना है, भाई लखनऊ से थे, पुलिस में है, और उनका पूरा हिस्सा काम नहीं करता था, पकड़म बनी रहती थी, कल ये लाइफ थे और कल ही परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया, अभी वो गवाही दे रहे बिल्कुल आजाद है, और खुदा का मैं शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर हम तुच्छ जैसे लोगों की प्रार्थना सुनता, हम ठुकराए हुए लोगों की प्रार्थना सुनता, हम तो कुछ भी नहीं थे, हम बाहर से सुंदर लगते कपड़े पहन के, मगर हमारा अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था, हमारी सोच अच्छी नहीं थी, हम अच्छे नहीं थे, मगर खुदा ने जब हमें लाया, अपने लहू से खरीदा, अपने लहू से धोया, अपने पुत्र के अपने पुत्र को दे दिया, हमें पुत्र बनाया, अपने पुत्र को एक बार हटा दिया अपने सामने से, हमें अपने अपना लिया उसने, हालेलुया। यही है परमेश्वर का प्रेम, जो आपसे परमेश्वर प्रेम करता, आपको घबराना नहीं है, चाहे कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपके जीवन में समस्याएं खत्म होने जा रही हैं। आमीन, बोलेंगे आमीन, आमीन के साथ रिसीव करो कि मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र हूँ, बोलो मेरे पीछे, मैं परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हूँ, और परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं परमेश्वर के हाथों में रहूं, मैं उसका एक बर्तन हूँ, बोलो बोलो, मैं उसका एक बर्तन हूँ, मैं उसके हाथों में रहूं, इसलिए उसने मुझे बनाया है, और मैं इस्तेमाल हो सकूं प्रभु के कामों में, मैं इस्तेमाल हो सकूं, मेरा तन इस्तेमाल हो, मेरा धन इस्तेमाल हो, मेरा मन इस्तेमाल हो, परमेश्वर मेरे जीवन में वो अभिषेक दे कि मैं आपके पीछे चल पाऊं। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आत्मा का अभिषेक आपको दे, आपके घर के लोगों को अभिषेक दे, आपके घर के लोगों में अनोन्टिंग दे, अभिषेक मिलता चला जाए, अनुग्रह मिलता चला जाए, आपके जीवन में बढ़ोतरी आती जाए, और मेरी दुआ है कि आप परमेश्वर में और बढ़ करके ब्लेस हो, आपके ऊपर वो चादर परमेश्वर गिराए, आपके ऊपर कोई अगुवा ऐसा आ जाए आपके ऊपर हाथ रख दे, आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला हो जाए, आपके लिए कोई मूसा जैसा सपोर्टर हो जाए, हालेलुया। मगर एक सवाल जो कल मैंने पूछा था वो पूछना चाहूंगा मैं, मगर क्या आपके रिश्ते कब तक अगुओं के साथ है, आपके अगुओं के साथ, आपके लिए जो प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। ब्रदर मिश्रा, आप देखिए कितनी गंदी बात अपने मुंह से, जो आपके अंदर भरा हुआ है ब्रदर जी वही बाहर आ रहा है, आप इतने गंदे नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, मगर ये गंदी बातें छोड़ दो, हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, क्या हिंदी समझ में नहीं आ रही आपको, लोगों के बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, आप हमें गाली दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपके ऊपर श्राप आ जाए। आपको किसने बुलाया इस प्लेटफॉर्म पर, आपको किसी ने नहीं बुलाया, मैं आप लोगों को सबसे जो देख रहे कहना चाहूंगा, फेसबुक पे जाएं, इनकी आईडी पे जाएं और इसको फेसबुक को क्या करें, रिपोर्ट करें, इसकी आईडी बंद करवाओ, अभी सारे लोग करें, अभी अभी करें, अभी करें,
पर मैं मिश्रा जी आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो आप बोल रहे हैं वो आपके जीवन में ना घटे, आपके जीवन में शांति आए, आपके परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो भरा वो मैं दे सकता हूँ आपको, जो आपके अंदर भरा आपने तो हमें दे दिया, मगर मैं आपको खुदा के नाम से, प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं ब्लेस करता हूँ कि आपके जो एक अगुवे को जो आप बोल रहे हैं उसका उसका घटना आपके ऊपर ना घटे। हालेलुया। मेरी बहन तो आपकी बहन भी मेरी बहन है, क्या करेंगे आप? आपकी बहन भी मेरी बहन है, फिर क्या करेंगे आप? आप अपने आप को सुधारिए, ये जो गंद भरा हुआ है इसे दूर करिए, इसे दूर करिए, ओके, दूर करिए। अपने माता पिता से भी ऐसे ही सीखा आपने, आपके अगुवे क्या सिखा रहे हैं आपको, आप कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, आप कौन से धर्म में जी रहे, कौन से ईश्वर को मान रहे, वो ये सिखाता है। सुबह उठते ही गालियां देना शुरू कर देते हैं, सुबह उठते ही एक बंदे को आपने जानते नहीं, आप मुझे जानते नहीं हो, अगर आपको कुछ गाली देनी मुझे मारना मेरे सामने आ जाओ, आओ सामने, आ जाइए सामने आइए, फिर बात करते बैठ के, आ जाइए सामने, ज्यादा शेर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए, आपको इनवाइट नहीं किसी किसी ने, चिट्ठी नहीं डाली है, आपको बुलाया नहीं है किसी ने, ये हमारे अपने लोगों का सेशन है, अपने लोगों का सेशन है, ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप आगे डिस्टर्ब करने गालियां देने, निकल जाए इस प्रोग्राम से, आपको नहीं दिख रहा हाहाकार मचा हुआ संसार में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, आप सुधरने वाले, परमेश्वर आपका न्याय करे, परमेश्वर आपका न्याय करे, उमानंद परमेश्वर आपका न्याय करे, आप मिश्रा हो ही नहीं सकते, आप अच्छे हो ही नहीं सकते, आपका नाम मिश्रा है मगर आप ऐसे हैं नहीं, आपके कर्म बहुत बुरे हैं, माफी मांगो परमेश्वर से कि आपके पाप समा हो जाए और आप परमेश्वर से दया पाए। मैं ब्लॉक कर रहा हूं आपको। आप लोग जितने देख रहे हैं आप लोगों की जरूरत है, आप अगवे के साथ खड़े हो, जब कोई ऐसी चीजें आती हैं आप उनकी फेसबुक पे जाएं, तुरंत उस आईडी पे जाएं, ढूंढे और उसको रिपोर्ट करें, रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट होता है फेसबुक में, रिपोर्ट करने का होता है, ठीक है, रिपोर्ट करने का होता है, नहीं तो मैं ब्लॉक करूंगा, मैं ही वचन सुनाऊंगा आपको, मैं ही आपके लिए दुआ करूंगा, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, क्या एक दिन आप ऐसे होंगे, एक दिन छोड़ के भाग जाएंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ, कितनी देर का रिश्ता आपका, मेरा आपका रिश्ता आपके अगुवे साथ कितनी देर का है? ये काम आपका है उन्हें ब्लॉक करना, ये काम आपका, उनकी रिपोर्ट करें, उनकी आईडी बंद हो जाएगी। हालेलुया, वो गलत है, गाली दे रहा है, एक आपके अगुवे को गाली दे रहा है, आप उसे ब्लॉक तो कर सकते हैं आप, मैं नहीं कह रहा कि आप गाली दो, आपके अंदर गाली नहीं है, आप उसे आशीष दे दो, अच्छी बात है, मगर उसे रिपोर्ट करो, उसे ब्लॉक करना है, आमीन, करना है, करो, उसका नाम आपको पता है, जाइए जब सेशन खत्म होगा उसकी आईडी को चेक करिए, उसमें रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, रिपोर्ट कर दीजिए फेसबुक को कि ये ऐसा बंदा है, इसके कारण हमें ठेस लगी है, बात खत्म, आईडी अपने आप बंद हो जाएगी। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आज लोग, थैंक यू सुनील राणा जी, थैंक यू, रिपोर्ट कर दिया, धन्यवाद। मैं आपको कहना चाहता हूँ, संसार आज इस बात में जूझ रहा है कौन उन्हें बचाए, अगर एक व्यक्ति किसी के लिए दुआ कर रहा है तो ये गलत बात है क्या? एक व्यक्ति देश के लिए दुआ कर रहा है, क्या गलत बात है? एक व्यक्ति, लोग महामारी में है, कोरोना में मर रहे हैं, लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम मसीह लोग किसी को गाली नहीं देते, हम मसीह लोग किसी को मारते नहीं है, हम मसीह लोग लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, क्या ये गलत है? फिर भी उन्हें गालियां मिलती हैं, हम संसार की खुरचन है। हालेलुया, लोगों को अपना भला नहीं दिख रहा, इसलिए संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, एक दारू के पवे में कुछ भी बोल डालते हैं, इन्हें होश आभास नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक खत्म हो गया, और विवेक खत्म होने के कारण ये अपने आप में नष्ट हो गए हैं, यही है वो डेवल के लोग, यही वो शैतान में जो नष्ट हो जाएंगे, यही वो जो छाती पीटते हुए मिलेंगे एक दिन, क्या हमने ये गलत किया था। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, क्षमा करें ऐसे लोगों को और रिपोर्ट जरूर करें, कोई भी कमेंट्स आपको दिखता है आने से पहले, आगे से मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी कमेंट्स आया आप सीधे उसकी फेसबुक पर जाए, मेरे बिना कहे आप उसे रिपोर्ट कर दे एकदम, ओके, गॉड ब्लेस यू। और मैं कहना चाहता हूँ संडे, कल का संडे भी 4 बजे का रहेगा,
और खुशी की बात है कि हमने बहुत चीजों को पाया। और कौन सी चीजें पाई जो हमने 40 दिन के उपवास रखे थे, उसमें आशीषें पाई, चमत्कार पाए, दर्शन पाए लोगों ने। मगर मंडे से कुछ चेंज होने जा रहा है, मंडे से आप सभी को बताना चाहता हूँ, मंडे से ये चेंज होने जा रहा है। मंडे से हमारा फिर 7 डेज रह जाएगा, सैटरडे संडे हमारा जो लाइव सेशन है वो नहीं होगा, फिर संडे का रहेगा, सैटरडे नहीं होगा। अब मंडे टू फ्राइडे होगा, मंडे टू फ्राइडे पहले था मगर 7:30 बजे का नहीं रहेगा, 4 बजे का ही रहेगा। क्योंकि ये समय ऐसा समय है जिसमें आप बदल रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, ये समय ऐसा जिसमें आपके जीवनों में काम हुआ है, ये सेशन ऐसा जिसमें गवाहियां निकल के आई है, ये सेशन ऐसा है जिसमें छुटकारे हुए, लाइफ चेंजिंग हुई है, लाइफ चंगे हुए, लोग छुटकारे पाए हैं। और मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, हर एक जन से जिसने अभी तक भी अनसुनी कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अपना सीड बोना शुरू कर, अपना दान बोना शुरू कर। इस मिनिस्ट्री को जरूरत है आपकी, इस मिनिस्ट्री को जरूरत है आपके बीज की। हालेलुया। क्यों जरूरत है? क्योंकि भवन बन रहा है। लोग कहते हैं कि भवन बनाने का समय अभी नहीं आया, हालेलुया, मगर मैं कहता हूं भवन बनाने का समय अभी आया है। क्योंकि अब जो छुटकारा पाएंगे लोग, अब जो दुखों में मारे मारे फिरेंगे, वो तो कहाँ बिठाएंगे हम, कहाँ बिठा के आराधना करेंगे हम, कहाँ करेंगे हम बैठ के, बताओ। एक जगह हमें मिली है, एक जगह मिली, हम सबका हिस्सा बनता है, हम सबका हिस्सा बनता है कि हम उसमें अपना बीज बोएं। चाहे कम है हमारे पास, कम बोधे, ज्यादा है हमारे पास, ज्यादा बोधे, हम प्रयास करें। मैं वही तो कह रहा हूं, आपने दुनिया के लिए जिए हैं आप, आज अपने लिए जी लो, आज अपने लिए जो कुछ ऐसा कर दो कि खुद आपकी ओर देखे, अच्छा ये मेरा बेटा, ये बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, 1000 गुना दे। चाहे आप एक दमड़ी बो रहे, बो दो, वेट मत करो, इंतजार मत करो, दो दमड़ी है बो दो, प्रोमिस किया बो दो। खुदा आप धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, आपका काम भी धीरे धीरे स्पीड में। आप अपने काम की, आप अपनी ब्लेसिंग की स्पीड कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो काम फटाफट करना चाहिए आप उसे 10 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं एक प्रचार को, इसी प्रचार को 50 दिन लगा दूं, आप बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। परमेश्वर को बोर मत करो, आप उससे अपना प्रोमिस पूरा करो, उसके वायदों को अपने ऊपर ले लो, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने बीज को बोइए, भोर के समय भी बीज बो, शाम के समय बीज बो। वचन में लिखा, तुझे नहीं पता कौन सा फलवंत होगा, इसलिए बोते रहो, कुछ तो फलवंत होगा उसमें। कुछ दाने चुग लिए जाएंगे शायद, कुछ दाने राह के किनारे गिरेंगे शायद, कुछ दाने शायद झाड़ियों में गिरेंगे, मगर कुछ अच्छी भूमि में भी गिरेंगे। आपको नहीं पता कौन से झाड़ी में जाने वाले, आपको नहीं पता कौन से कैसे जाने वाले, कहाँ जाने वाले, मगर जब आप बिखेरेंगे, जब आप खुदा की राज में बिखेर रहे हैं, जब आप खुदा के राज में बो रहे हैं, आपको पता है कि इनमें से बेशक कुछ भी हो जाए, मगर 60% 70% बीज सीड जो है ऐसे होंगे जो 100% लेके आएंगे। आमीन। हो सकता है किसी कारणवश कुछ बीज फल ना लाए, मगर मैं कहना चाहता हूँ चाहे कोई भी आप बहन है, गृहिणी है, तो आप आशीषित होंगे। संजना त्यागी, संजना त्यागी, मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा आपके लिए अगुवाई कर रहा है, आप कहाँ से, मुझे ये भी नहीं पता, आप कितने दिन से जुड़े मुझे ये भी नहीं पता, मैं ये भी नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, मुझे ये भी नहीं पता आप प्रभु को जानते हैं नहीं जानते, मगर मुझे परमेश्वर ये कह रहा है संजना त्यागी के लिए कि खुदा आपके जिंदगी में कुछ अजीब एक ऐसी बात करना चाहते हैं जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, मगर आप परमेश्वर के साथ तो हैं, आपको एक रास्ता मिल रहा है। परमेश्वर देख रहा हूं, मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आप एक रास्ता दे रहा है जिसमें वो बड़े काम आपके साथ में करेगा, बड़े काम होंगे आपके साथ। और इस बात को देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज की डेट नोट रखिए, ये वीडियो डाउनलोड करके रखें, जब वो बड़ा काम हो जाए, मुझे नहीं पता कौन सा होगा, परमेश्वर बताएगा आपको, आपको प्रार्थना करनी होगी, जब वो हो जाए तो गवाही के साथ आपको वापस आना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर उनको बांटता है जो उससे प्रेम करते हैं, और जो गालियां देते उन्हें क्या मिलता है वापस में, जिन्होंने बमंडर बोए उन्होंने तूफान काटे, जिन्होंने कांटे बोए उन्होंने क्या आंधियां काटी है, और जिन्होंने फल बोए, फ्रूट बोए, परमेश्वर बीज बोए, उन्होंने आनंद काटा है, क्योंकि उन्होंने आनंद के साथ बोया था। और जिन्होंने गलत बोया, जो कोई जो बोता है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अभी कौन सी फसल पकी हुई है? है अभी कौन सी फसल कटनी वाली है? गेहूं की फसल। आमीन। गेहूं की फसल, क्यों गेहूं कटने वाला? क्योंकि उन्होंने गेहूं बोया था। आमीन। और जिसने गाली दी है
वो काटेगा अपना, उसे उगने में समय लगेगा थोड़ा सा लगना, थोड़ा सा, मुझे पता है, क्योंकि हम समझते हैं इस बात को। और जिन्होंने धार्मिकता बोई वो काटेंगे, जिन्होंने बीज बोया वो काटेंगे, हालांकि फसल आने वाली है। खुश हो जाओ, आनंद हो जाओ कि हमारे लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। आप क्लीन हार्ट रहो, आप निष्कपट रहो, निष्कपट प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करो जितना हो सकता है। उसके अलावा एक भी आदमी बता दो अगर आपसे प्यार करता हो, आप उसे उसकी सहायता करना बंद कर दो, अगर वो आपके पास पटक जाए तो बता देना। हालेलुया, गेहूं की फसल आ रही है, पर जब हम परमेश्वर के लिए बोएंगे तो वो परमेश्वर की फसल भी आएगी। आमीन। तो आप बो डालिए, अपना बीज बोइए, और बीज बोने के लिए जो कल का पोस्टर डाला गया था, जो लोग पे फोन से और अपना गूगल पे से अपना पेटीएम से बोना चाहते हैं, हमारा कोड है, बार कोड है, उसको स्कैन कर सकते हैं और अपना डोनेशन भेज सकते हैं ओसम ग्रेस ट्रस्ट को। ये ट्रस्ट का पैसा है, ट्रस्ट में जाएगा, ट्रस्ट, ये मेरा अपना कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है, मैं अपने अकाउंट में नहीं कि मैं खा जाऊंगा, परंतु तो ये सरकार के लेके जो कि मैं जाता है और सरकार को फाइल जाती है, जो भी लगता है भवन बन रहा है वो मेरा नहीं है, हम सब का है, हम सब उसमें आराधना करेंगे। और मैं चाहता हूँ एक एक जन जितने सुन रहे हैं, जो हम सुनी करेंगे मैं उनकी बात नहीं करूँ, जो खुशी से बीज बोना चाहते हैं, जो जो कुछ करना चाहते हैं वो अपना बीज बो डालें, हालेलुया, और फिर दुआएं करना शुरू करें, फिर पानी डालना शुरू करें, फिर क्या होगा, फिर वो फसल आएगी, फिर कर्जे खत्म होंगे, फिर बिजनेस उभरेगा, फिर काम उभरेंगे। तो ये चीजें सबसे बड़ी चीज है। और आप दुआ करें अपने घरों के लिए कि कोरोना की महामारी में आपको भूखे ना रहना पड़े, कोरोना की महामारी में आपको ऐसे दर दर भटकना ना, किसी से हाथ उधार मांगना ना पड़े। आज ऐसे लोग हैं जो कैशलेस हो गए हैं, उनका पैसा नहीं है, बैंक में कैश नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें, हम भाइयों को उनके लिए खड़ा होना है। अभी जो समस्या आ रही है उनमें हमें क्या करना, उन लोगों को भोजन देना है, उन लोगों को पानी पिलाना है, उन लोगों की शुद्धि रखना है। शायद आपके पास कोई पड़ोसी है, कोई है, हम उनके लिए खड़े हो सके, प्रभु की महिमा कर सके, और प्रभु के दिखा सके, प्रभु जो तूने हमारे लिए किया हमने भी दूसरों को प्रेम करके दिखाया। और यही है कि हम तुझसे प्रेम करते हैं, इसी से प्रकट होता है कि जब तू हमसे प्रेम करता हम दूसरों को प्रेम करके दिखाएं कि हाँ हम भी प्रेम करते हैं। यूं तो हजारों रुपये लोग खर्च कर देते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं, गोलगप्पे खाने जाते हैं, कहीं मैं नहीं कह रहा नहीं जाना है, बच्चों को लेके जाना, परिवार को लेके जाना, खुशियां भी मनानी है, मगर एक बड़ी खुशी भी है कि जो खुशियां मना रहे हैं उसके पीछे बढ़ाने वाला, जो हम खर्च कर रहे हैं उसे देने वाला परमेश्वर है, उसको और अधिक बढ़ाना है। जब बोएंगे तो परमेश्वर उसको अधिक देगा। अपने परिवारों में खाने का ध्यान रखें, सलाद ज्यादा खाएं, अपना खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, पानी की पट्टी लगा कर उसे ठंडा करिए ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लोग मर के ही वापस आ रहे हैं, कोई गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए घर में इलाज करिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए, अपने परिवार वालों की चिंता करें, उनके लिए भी दुआ करें। हालेलुया, रोज प्रभु से मांगे और रोज खाएं। आमीन। परमेश्वर आपके ऊपर रहमत बरसाए, आपके ऊपर उसका कब्जा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 4 बजे मिलेंगे, कल सुबह 4 बजे फिर से मिलेंगे एक नए अकल, कल छोटा सा ही वचन होगा और आप सबके लिए प्रार्थना होगी, और आप उन लोगों को कम से कम 10-10 लोगों को इनवाइट करें जिनके घरों में इस समय बीमार लोग हैं, जिनके घरों में कोरोना हो गया है, जिनको बुखार चल रहा, खांसी चल रही, बलगम हो रहा है, और उन्हें इस बात का लग रहा है कि हमें कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ उन 10-10 लोगों को आज एक मैसेज टाइप करके भेजें कि कल हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कल आप हमारे चैनल से जुड़िए, फिर वो जुड़े ना जुड़े उनकी अलग बात है, आप उन्हें एक ऑप्शन दे दीजिए, कल फिर से इन लोगों के लिए दुआ की जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। नीलम जी, आपको कोरोना हो गया, बिल्कुल चिंता ना करें बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, जो डरता है शैतानों से डराता है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। इस समय आंखें बंद करिए, थैंक यू फादर, पिता, इस समय नीलम के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर नीलम को छू खुदा, जिनको कोरोना हो गया, यदि कोई और भी भाई और बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको कोरोना हो गया परमेश्वर, या फिर उसके इन्फेक्शन, उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उनके परिवारों में किसी को हो गया पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वो मृत्यु उनकी हानि ना कर पाए पिता परमेश्वर, मृत्यु के बंधनों को तोड़ने वाले आप परमेश्वर उनके साथ खड़े हो जाए, अपने हाथ को बढ़ाए, तेरे नाम की महिमा उनकी जिंदगी में हो सके प्रभु, और इन्हें चंगा करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।
आमीन आमीन आमीन। ओके गॉड ब्लेस यू। आज प्रार्थना भवन बंद है, कल भी बंद रहेगा, मंडे से फिर लाइन हमारी खुल जाएगी। मंडे से आप कॉल कर सकते हैं और मंडे से फ्राइडे तक लगातार वो चलता रहेगा। दुआ करें आने वाले समय में वो 24 घंटे होने वाला है, आपको रात्रि में भी प्रार्थना मिल सकेगी। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। कल सुबह मिलते हैं, संडे की आराधना कल होगी। जय मसीह की। और ध्यान रखे, अगले वीक से जो मंडे से शुरू होता है, मैं फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि मंडे से लेके फिर हम फ्राइडे और फ्राइडे चलेंगे, सैटरडे नहीं होगा फिर लाइव सेशन। ध्यान रखेगा, अभी तो हम 7 दिन चल रहे थे क्योंकि वो सेशन हमारे उपवास के पूरे हो गए। आमीन, गॉड ब्लेस यू। और अपने हाथ को जरूर बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, जो भी हो सकता है अपने लिए आज करिए। जय मसीह की, जय मसीह की।